A very good evening, everybody. Welcome to OnAcademy. Let's crack it. UPSC, CSE, India largest learning platform पे आप सबका स्वागत है. उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी थ्रू आउट डे बहुत अच्छा रहा होगा. काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा और आई होप कि आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहे. और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज एटलीस्ट 2 आवर की क्लास रहेगी. फिर से इस 2 आवर में हम लोग काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज फिर से दोबारा एक कुछ नया सीखने को मिले अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी डिमांड. नया सीखने का मतलब ये नहीं कि जो मन में आए सो, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट रिलेटेड टू यूपीएससी क्या पढ़ना है वो हम लोगों को समझ में आ रहे. लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चंद पंक्तियां आप सबके लिए. होपफुली कि मेरी जिंदगी में इस वर्ड ने और इस पंक्तियों ने बहुत मेरी मदद की है. एंड होपफुली ये आप लोगों को भी एक फायदा देगी. किसी ने क्या खूब कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को कि अगरचे मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को कि अगरचे मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है. यस, दिस इज ट्रू. इफ यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ टूवर्ड्स अ सक्सेस एंड इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, बी डाउन टू अर्थ. इस एग्जाम की एक सबसे बड़ी कड़ी ये है कि जब हम शुरू करते हैं टिल एंड तक, जब तक हमारा क्रैक नहीं होता है, हम लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें सीखना है. और जिस बच्चे के अंदर ये कला हो कि मुझे कुछ सीखना है, तो उसको इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता. होपफुली कि आप लोगों के लिए भी फ्यूचर में जब भी आप पढ़ें, और मैं तो हमेशा अपने आप को ये मानता हूं कि वी ऑल आर ऑन लर्निंग प्रोसेस, हम सीख रहे हैं. और सीखने के साथ साथ एक इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि क्या वो सीखने के लिए तैयार है. सबसे बड़ी बात तो ये है, सीखेगा वो जो तैयार होगा सीखने के लिए. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ये कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है तो सीखेंगे, और लास्ट में पता चलता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं था. तो कभी कभी इंसान इतना प्राउडी हो जाता है, इतना घुमंड आ जाता है कि उसको ये लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है वो कुछ और होता है. हमने जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ा है, उन सबका ये मानना है कि जिंदगी में स्कॉलर का वर्ड किसको दिया गया था, फिलोसोफर किससे कहा गया था. अगर आप डेफिनेशन देखेंगे स्कॉलर की, एक स्कॉलर वो होता है जो कभी भी सेटिस्फाई ना हो. किसी भी नॉलेज से वो सेटिस्फाई नहीं होता है, वो हमेशा रिसर्च करता रहता, तभी जाके उसको हम फिलोसोफर कहते हैं या स्कॉलर कहते हैं. सो होपफुली कि आप लोग भी कभी कभी अपने आप को क्लियरली एक जगह पे आके स्टक ना कर दें. क्रैक यूपीएससी यस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट टाइम. यू कैन गेट ए सब्सक्रिप्शन. देयर आर सर्टन रीजन व्हाई अनअकैडमी इज बेस्ट राइट नाउ. When we all are, particularly everything is offline, is closed in offline, so this is the best time you can join OnAcademy. The reason is very simple. The first reason, here you will get an India best educator, those who can guide you properly till your mains examination, and after, once you crack this examination, we will remain together, inshallah. Hopefully, ki is baar sare qualify kar le. कहने में तो यही आता है कि सब क्वालिफाई कर लें, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता. बट उम्मीद, एक मोटिवेशन आपको हर दिन अपने आप को देखनी पड़ेगी कि हम सब क्वालिफाई कर सकते हैं. सेकेंड चीज, दिस इज माय प्रोफाइल. यू कैन गो एंड सर्च अबाउट दिस सुहेल तुर्की ऑन वेरीफाइड टीचर. यहाँ पे जाके आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, प्लस मेरा यहीं पर आपको प्लस कोर्स भी देखने को मिलेगा.
अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस कोर्सेज मेरे यहीं पे आएंगे। अब प्लस कोर्सेज में मैं क्या क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आई विल स्टार्ट एनसीईआरटी कोर्स बेसिक्स, प्लस देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्पेक्ट्रम, कंप्लीट स्पेक्ट्रम ये प्लस कोर्स में होगा। देन मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आपकी जितनी भी जैसे आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया की कंप्लीट बुक, मैं बुक्स ही पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, और उसके बाद आपका मिडाइवल पार्ट, और उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री आपकी जितनी भी है, प्लस मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट होने वाला है। सो मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन सोसाइटी, तो ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन सोसाइटी। ये सारा प्लस सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल होगा, तो आप वहां पे ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत अच्छा सा सुनहरा मौका है कि ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डिसाइडेड दोज हु आर गोइंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, आई एम गोइंग टू कंप्लीट नियर अबाउट 5,000 एमसीक्यूज, 5,000 एमसीक्यूज जो हमारे रहे हैं उन सबको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो एक बहुत अच्छी लॉन्ग जर्नी रहेगी हमारी। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, यूज माई कोड सुहेल 10, इट्स अ कैपिटल SUHAIL सुहेल 10, आप यहाँ पे जाके 10% यू विल गेट अ डिस्काउंट। और अभी तो वैसे भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना बहुत सस्ता हो चुका है। द सेकेंड इज रिपोर्ट एंड मेल, आप सबको पता है कि कंटेंट के रिगार्डिंग है कि अगर आपको कंटेंट में कोई दिक्कत लग रही है तो आप कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 80 टेस्ट एवरी ईयर विद ए 20 फुल, 20 सेक्शनल एंड 18 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, कुल 30 मेंस के टेस्ट होंगे, और ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। फ्री मतलब ये है कि आपको इसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जीएस आइकॉनिक के लिए जाते हैं या प्लस के लिए भी जाते हैं, 1 साल के कोर्स के लिए भी जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग टेस्ट सीरीज आपके साथ साथ ही कंप्लीट करते जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम मैं 1 ईयर के लिए जाना चाहूँ, 2 ईयर 3 ईयर के लिए, तो बहुत ईजी है जुड़ना इस समय। बहुत ईजी इसलिए है दैट इट कॉस्ट ओनली 51,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, करेंट अफेयर्स, एवरीथिंग एंड ऑप्शनल एज वेल। तो उसमें आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरी बात, 25% यू विल गेट अ डिस्काउंट हियर एंड 10% बाई यूजिंग माई कोड सुहेल 10, या इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द 2 ईयर तो इट्स अराउंड 71,000 रुपीज। सो 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन वैलिड टिल मेंस तक रहेगी, यानी कि जब तक आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होता तब तक आपके लिए ये रहेगा। सो बेटर टाइम है ये, बेटर टाइम इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे सिलेक्टिव टीचर्स को चेक करें, क्योंकि अब कुछ बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि सर किन के पास पढ़ना है, तो मैं ये कहता हूँ चूज फर्स्ट से सिलेक्टिव टीचर्स, सिलेक्टिव एजुकेटर्स, जिनके पास आपको लगता है कि आपको कंप्लीट क्लास देनी पड़ेगी। सो सिलेक्टिव एजुकेटर्स में जैसे मैंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई पॉलिटी, दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई हिस्ट्री फ्रॉम विच एजुकेटर, तो आपके पास यहाँ चांसेस है कि अच्छे एजुकेटर के पास जो जो आपको लगते हैं उनके पास आप, यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने वाले 20 हैं, तो आपको जिसके पास अच्छा लगता है तो आप उसके साथ जो है जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल गेट अ 20 बुक्स, तो 20 किताबें आपको बिल्कुल फ्री है, क्रिएटेड बाय द बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट। सो मार्केट से लाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब इसके लिए 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और ये बहुत ही लिमिटेड ऑफर है। दोज़ वर थिंकिंग लाइक कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो दे कैन अप्रूव गो फॉर द लोन, और ये आपके लिए जो लोन रहेगा इंटरेस्ट फ्री है, इसके लिए ऊपर कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सो एक अच्छी चीज ये भी आपके लिए है। वीडियो चल रही है बेटा, इज एवरीथिंग क्लियर? या मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज क्लियर है? यस, लेट्स गो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये चीजें आपको जो मिलती हैं उसके अलावा ये है कि आप इंडिया के जो भी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जैसे मगेश गुप्ता हो गए, मेघा गुप्ता मैम हो गई, अबलेश या जो हो गया आकाश, ये सारों के साथ आपको वीकली 1-on-1 पर्सनल मॉनिटरिंग भी मिलेगी, दोस्त जिन्होंने पास प्लस सब्सक्रिप्शन ली होगी। तो काफी सारी चीजें हैं करने के लिए अगर आप 1 ईयर और 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं। सो प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, हेयर यू कैन यूज माई कोड सुहेल 10, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सो दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द
23rd जून से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए 23rd जून से क्लो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। सो फोनिक्स यूपीएससी सीएसई 21 बैच कोर्सेज बाईलिंगुअल ये रहेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपके सुदर्शन सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर है जियो के, और फिर सिद्धार्थ सर हो गए, और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑफ 1 ईयर के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग प्री टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल, इसको क्या करना है, कोड यूज करना है और आप टेस्ट सीरीज के लिए दे सकते हो। और हर संडे को अनअकैडमी कंडक्ट करता है फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कोई आपके लिए काफी सारे अच्छा मौका है कि आप 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स में आपको देने पड़ते हैं। फ्री लाइव टेस्ट रहता है एंड्रॉइड पे, या एवरी संडे यू कैन गो फॉर इट। सुहेल 10 यूज कोड और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट दोनों में रहेगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, और आपको इसमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। शेल वी स्टार्ट? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? हम शुरू करें अपना टॉपिक। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूं कि इस क्लास को कंप्लीट जो किया जाएगा, इट मे टेक टाइम, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिकॉज आज काफी सारी चीजों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में हैं, क्योंकि इस पार्ट के अंदर आप लोगों को हर एक, जैसे कि गांधी हो गए, उसके बाद आपके भगत सिंह हो गए, रेवोल्यूशनरीज पार्टीज हो गई, उसके बाद साइमन कमीशन हो गया, उसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट हो गई, उसके बाद आपका लाहौर सेशन हो गया, कराची का सेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गई, इन सारी चीजों के ऊपर बात होगी। तो काफी लंबा क्लास रहेगा, उम्मीद करता हूं कि आप एंड तक देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें आपको निकलेंगी। इस क्लास को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जो मैं चीजों को कोट करने जा रहा हूं, क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 को कोट करूंगा, वहां से आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके पास बुक है सामने तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। आई होप कि यू ऑल आर रेडी फॉर दिस क्लास, एंड होपफुली कि आज कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा और कुछ नया पढ़ेंगे। आज बात करेंगे लॉर्ड इरविन की। उम्मीद करता हूं कि लॉर्ड इरविन के बारे में आपने नाम सुना होगा। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेशल सीरीज का आखिरी टॉपिक है, यानी अगर आपने देखा होगा तो मैंने स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव से, मैंने फिर पढ़ाया आपको। अगर जिन बच्चों ने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास देखने के बाद एक बार प्लीज प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, जहां पे मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम रॉबर्ट क्लाइव, फिर मैंने पढ़ाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, फिर मैंने पढ़ाया था लॉर्ड डेलाउजी के बारे में, फिर हमने पढ़ा लॉर्ड कैनिंग के बारे में, फिर लॉर्ड कैनिंग के बाद हमने लॉर्ड लिंटन के बारे में पढ़ा, लॉर्ड लिंटन के बारे में के बाद हमने लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। सवाल अब ये बनता है कि आपने जो क्लासेस ली हैं सर, उसमें आपने कुछ ही गवर्नर और वाइसराय के बारे में पढ़ाया। रीजन उसके पीछे ये है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइसराय हैं, जिनके टाइम में काफी सारी चीजें चेंज हुई। सो मेरे, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्लासेस भी देखी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे, तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहे, इसलिए इस सीरीज को मैंने लाया था। और इससे पहले एक सीरीज मैंने कंप्लीट करवाई थी गांधी की, जिसको ऑलमोस्ट हमने 7 डे में कंप्लीट किया। उससे पहले भी एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक मैं आपको अलग अलग तरीके से सेंचुरीज वाइज मैंने पढ़ाया था। सेंचुरी 6 में क्या हुआ, 7 सेंचुरीज में क्या हुआ, 8 सेंचुरी में क्या हुआ। अब ये क्लास आज यहां पे फिनिश भी हो जाएगी, लेकिन अगली क्या सीरीज है, एक हफ्ते के लिए हम क्या करने जा रहे हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे। लॉर्ड इरविन को जब भी आप देखते हैं तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि सर हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा ये। अब देखिएगा कि यहां पे लॉर्ड इरविन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या क्या चीजें इन्होंने की। सबसे पहले लॉर्ड इरविन को अगर हम याद करते हैं तो दिमाग में एक बात आती है कि सर इनके समय में ही हम लोगों के यहाँ पे साइमन कमीशन आया था। सही है सर? नो, साइमन कमीशन जो इंडिया के अंदर आया वो लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही आया। अब साइमन कमीशन आप खुद सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही
आपको याद है इंडिया के अंदर सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जो लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुए। सो अगर हमें इसके बंदे के बारे में नहीं पता है तो हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। अब साइमन कमीशन और उसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल यूपीएससी प्री और मेन से यहां से सवाल बनते हैं। उसके बाद लॉर्ड इरविन को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इन्हीं के समय में आपको याद है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था जिसको हम लाहौर का सेशन कहते हैं, और लाहौर का सेशन जो है वो 1929 में हुआ था। आई होप आप लोगों को याद होगा ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि यहीं से डिसाइड किया गया था कि आप भारत को सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट की नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जरूरत है। याद होगा कि आपको इसी लाहौर सेशन 1929 के अंदर उस समय के प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे आईएनसी के, वो थे पीटी जवाहरलाल नेहरू। यही वो 1929 का लाहौर का सेशन है जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि 26 जैन 1913 भारत जो है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी मनाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको याद होगा कि इन्हीं के समय में सीडीएम मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। सीडीएम मूवमेंट 12 मार्च 1930 के अंदर स्टार्ट हुई। आपको याद है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की, ये भी लॉर्ड इरविन के ही टाइम पे स्टार्ट हुई थी। होपफुली आपको ये भी पता होगा। अब देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड इनके समय में रहा है। उसके बाद सर आपको याद होगा कि लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बात की गई थी। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीन हुई थी, लेकिन एक जो है सिर्फ एक ही वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज द सेकंड आईएनसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये आपको याद होगा कि ये सारी चीजें हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके साथ एक और बंदा भी यहां पे रूल कर रहा था जिसको हम कहते हैं लॉर्ड ब्रिकेनहेड। आई होप आपको ये याद होगा कि जिस समय आपके वायसराय लॉर्ड इरविन थे तो भारत के अंदर उस समय एसओएस जो थे वो ब्रिकेनहेड थे। सो दोनों ने मिलकर यहां पर रूल किया, दोनों ने मिलकर यहां पे आपको याद होगा कि एक काफी सारा टाइम बिताया है। सो देखिए कि इस बंदे के अंदर पूरा इंटायरली आपको सेशन देखने को मिलेगा कि कितनी चीजें हुई। उसके बाद आपको याद है कि यहीं पे लाला लजपत राय की डेथ भी हो जाती है। तो लाला लजपत राय की डेथ के बाद आपको पता है कि यहां पे रेवोल्यूशनरी मिलिटेंट रेवोल्यूशनरीज पार्टी इमर्ज हो गई, यानी मिलिट्री के तौर के अंदर मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज पार्टीज आ गई, जिसमें आपको याद है कि हम लोगों ने यह देखा था कि किस तरीके से भगत सिंह को फांसी दी गई और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। यही वो समय था सर जब यहां पे आपको याद है चिटगांव के अंदर एक आर्मी रेड डाली गई जिसके बाद सुखदेव को पकड़ा गया और उन्होंने काफी सारी ट्रेनों को लूटा था। ये एक किस्सा भी इसी बंदे के साथ जुड़ा हुआ है और ये सारी चीजें लॉर्ड इरविन के इर्द गिर्द ही घूम रही। यानी भारत का हम कह सकते हैं कि मेजर पार्ट लॉर्ड इरविन के ही अंडर हुआ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इसको बदल दिया गया, यानी इनके बदले दूसरा जो है वायसराय आता है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों के अंदर और भी बहुत सारी डेप्थ है, जिसमें आपको याद होगा कि यहां पे पीटी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक इंडिपेंडेंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे, जिसमें या लीग बनाएंगे जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पीटी जवाहरलाल नेहरू अलग हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सर यहीं पे आपको याद है कि गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट भी होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूपीएससी पूछ चुका है गांधी का गांधी इरविन पैक्ट क्या था, किस तरीके से हुआ। इसी बीच में आपको याद होगा कि अली मोहम्मद जिन्ना ने 14 फॉर्मूला दिया था, उन्होंने अपनी कुछ डिमांड रखी थी, उनकी भी एक डिमांड थी जिसको हम 14 फॉर्मूला कहते हैं। इसी बीच में हमें याद है कि मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम नहीं चाहिए जो उनको 1909 में मॉर्ली मिंटो ने दिया था। भाई पूरी हिस्ट्री आपकी इस बंदे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मैं ये सारी चीजें आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी टॉपिक अननेसेसरीली क्यों उठा लेते हैं।
हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों। आप ये सारे चीजें अगर आप देखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लॉर्ड ब्रेकनहेड, उसके बाद इंडिपेंडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, चिटगांव आर्मी रेड, उसके बाद अगर यहां पे देखें सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम, मिलिट्री रेड्स, उसके बाद लाला लाजपत राय, उसके बाद सीडीएम मूवमेंट, लाहौर सेशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 फॉर्मूला, तो भाई आपकी 50% हिस्ट्री तो इसी बंदे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सो जिस बंदे ने इसको नहीं पहचाना तो फिर काफी सारी चीजें जो हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। उसी बीच में आपको याद होगा कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही, उससे पहले आपको याद है एक एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं दरसाना एरिया। दरसाना एरिया बहुत ही फेमस हुआ था, वो भी इन्हीं के समय में ऐसी चीजें हुई। वो दरसाना एरिया क्या था, किस तरीके से ये सारी चीजें की गई, अब ये सारी चीजें इनके अंडर ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, एंड आई होप कि आप लोग ध्यान देंगे और इसके कंप्लीट नोट बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रॉनिकल ऑर्डर में भी कभी कभी ऐसा पूछता है कि किस वायसराय के अंडर ये हुआ है, बहुत बार आया। अब आपको समझ में आए या ना आए कि हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने नीचे आपकी बेटरमेंट के लिए कुछ चीजें लिख के रखी हुई हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि ये बंदा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जरा हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट था और हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब एक एक चीज पे चलते हैं, कोई भी चीज टाइप मैसेज नहीं करेंगे अंटिल जब तक हम लोगों का कंप्लीट नहीं होता है। ऑन अप्रैल 3 द लॉर्ड इरविन वॉज अपॉइंटेड द 30th वायसराय एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये 30 नंबर के थे, 30वें नंबर पे थे और बहुत ही अच्छे खासे टाइम पे आए थे। अब यहां पे देखिएगा कि ये क्या क्या करेंगे, जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई। जब ये आते हैं तो कहा जाता है कि इनके समय में जब इन्होंने पूरी यहां पे रूल संभालने की कोशिश की, सो दिस वॉज मोस्ट वायलेंट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। सबसे ज्यादा वायलेंट पीरियड इन्हीं के टाइम पे था, यानी कि लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत सारी टेंशन बहुत ज्यादा थी, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हालात बहुत ज्यादा खराब थे, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका था कि अब हर कोई डिमांड कर रहा था कि हम लोगों को आजादी चाहिए। सो अब इस बंदे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर बन रहा था। अब आपको कल यूपीएससी ये सारी चीजें पूछेगा कि बताइए इसके समय में क्या क्या हुआ। सबसे पहले मोस्ट वायलेंट पीरियड था ये पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे कौन कौन से इवेंट हुए जो लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुए, उन इवेंट्स के बारे में बताइए जो लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुए इवेंट्स। पहले जरा देखिएगा, सबसे पहले यहां पे हमें बताया जाता है कि साइमन कमीशन, ये हो गया आपका एक इवेंट जो इसके समय में हुआ। दूसरा आपको याद है जो मैंने ऊपर ही बताया कि इनके समय में नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट हो गया 2 फॉर्मूला। तीसरा जिन्ना के 14 पॉइंट, जिन्ना के 14 पॉइंट हो गए 3 पॉइंट्स। अगली चीज मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, याद करिएगा कि ये भगत सिंह इनकी हत्या कर देंगे क्योंकि लाला लाजपत राय की हाथ डेथ हो जाएगी और फिर वो इसको मार देंगे, तो ये हो गई 3। तभी वो कह रहा है कि जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस वॉज द मोस्ट वायलेंट पीरियड, बहुत ज्यादा लड़ाइयां, बहुत सारी मारपीट हो रही थी, उसके पीछे के रीजन भी थे। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आपको याद है कि एक बम भी डाल दिया गया था असेंबली के अंदर, हॉल इन दिल्ली, बाय द भगत सिंह, एंड द फाउंडेशन ऑफ HSR हो चुकी थी। ये भी एक समय था कि सर हालात और बिगड़ रहे थे क्योंकि बम ही पूरा फेंक दिया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बम से किसी की डेथ तो नहीं हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई डेथ भी नहीं हुई, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे केसेस चलते रहे और फिर इनको जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन और साथ में ब्रेकनहेड, लास्ट में हमें यह पता चलता है कि इनको फांसी भी दे दी गई। रीजन था कि इन्होंने बम क्यों फेंका, जबकि इस बम से कोई मरा भी नहीं था। उसके बाद डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, एक और टेंशन हो गई इनके समय में। तभी ऊपर लिखा है कि वायलेंट पीरियड क्यों था। कल अगर यही क्वेश्चन आपके लिए बन जाए कि डिस्कस व्हाई द लॉर्ड इरविन पीरियड इज नोन एज द वायलेंट पीरियड इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो आप लोगों के पास रीजन होना चाहिए कि यह वायलेंट क्यों था। उसके बाद कहता है कि अचानक से यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक और जो दुख भरी कहानी आई, यहां पे भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को यहां पे फांसी दे दी गई।
अब कुछ और कसर बाकी थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी। जब आप ऑलरेडी जानते थे कि आपने भगत सिंह को फांसी दे दी है तो भाई आप दिमाग लड़ाने की बात थी कि आपने ऐसी गलती क्यों की कि आपने राजगुरु सुखदेव इन सबको यानी कि लाला लाजपत राय की डेथ होने के बाद ही आपने फांसी दे दी। तो इस बंदे को हम क्रिटिक में डाल सकते हैं, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तभी मैंने ऊपर ही लिखा सो डू यू एग्री आजकल यूपीएससी ऐसे ही सवाल आपसे पूछता है ना, क्या आप मानते हैं? बहुत सारे सवाल अगर आप मेंस में चेक करेंगे तो जानबूझ के यूपीएससी आपको एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, क्या आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि लॉर्ड इरविन का टाइम इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वायलेंट टाइम था, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स हुई, सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए? गिव सूटेबल एग्जाम्पल इन 250 वोल्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि ये क्वेश्चन जो बनाया गया है इसमें लिखूंगा क्या मैं, तो इसमें आपको पूरी हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 250 वोल्ट हैं सर या 150 वोल्ट हैं तो मैं कितना सारा लिख सकता हूं बेटा, ये आपको करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आपको यहां पे कोई कहानियां तो लिखनी नहीं है क्योंकि इनके समय में काफी सारी चीजें हुई, एक एक करके बता रहा हूं, आप एक एक करके देखें। उसके बाद इसी बीच में अब हालात कुछ ठीक होने वाले थे तो ऑलरेडी यहां पे एक रेड डाल दी गई चिटगांव के एरिया में। आपको याद है कि यहां पे आपकी जितनी भी ब्रिटिश आर्मी के एनिमेशन थे वो छीन लिए गए ताकि हम उनको यूज कर पाए अपनी आजादी के लिए। इसी बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई और ये डांडी मार्च जो है 1913 12 मार्च आपको याद है कि गांधी जी ने स्टार्ट कर दी। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है, फिर डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन। तो टोटल अगर हम देखें, अगर आप देखेंगे यहां से जो मैंने पढ़ाया आपको, क्या आप नहीं मानते कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो पिलर माना जाता है ये एरिया, यानी जिस बंदे ने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी और लॉर्ड इरविन को नहीं पढ़ा, लॉर्ड ब्रिकेनहेड को नहीं पढ़ा, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आपने क्या कर दिया भाई, मर्डर कर दिया। इसलिए मैंने आज सुबह मॉर्निंग में जब मैंने शेयर किया था तभी मैंने कहा था कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ही भारत अब आजादी की ओर बढ़ रहा था और काफी सारी चीजें इसके समय में हुई, वायलेंट भी था। अब वो खुद कैसा था उसके समय में, SOS किस टाइप के थे, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और सेंट स्टर्ली इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक फिर से वॉइसराय को चेंज कर दिया जाता है और दूसरे वॉइसराय जो है वो इंडिया में आते हैं। मेरा पूरा एम एंड गोल इस क्लास के अंदर लॉर्ड इरविन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। सो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए, लेकिन ये क्लास उन्हीं को समझ में आएगी जो एटलीस्ट 2 घंटे क्लास के अंदर बैठेंगे। इट मे बी हम लोग 2.5 घंटे के लिए क्लास के लिए आगे चले जाएं क्योंकि इसमें सारी चीजें वो डिस्कस की जाएंगी जो मैंने ये ऊपर में पढ़ाई है, एक एक करके कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले देखिएगा कि इनके समय में साइमन कमीशन आता है। आई होप आप लोग पहले साइमन को देख लीजिएगा, ये जो है गो बैक का एक नारा दिया, आई होप ये बड़ा फेमस रहा था साइमन गो बैक। आप सबको याद होगा एक समय था कि भारत के अंदर ये वाला जो स्लोगन है ये बहुत फेमस हो गया था, साइमन गो बैक, साइमन यहां से चले जाओ। क्यों साइमन चले जाएगा, आगे साइमन की क्या गलती थी वो भी देखेंगे, साइमन से लोग नाराज क्यों थे वो भी देखेंगे, साइमन को भेजने वाला बंदा कौन था उसको भी देखेंगे। लेकिन बड़ा फेमस है ये, आप लोगों ने पहले भी साइमन गो बैक के नारे सुने होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं बच्चे को साइमन कमीशन पूछने की कोशिश करता हूं एक भी बच्चा इसका सीधा आंसर नहीं देता है, ना उनको कंपोजिशन के बारे में पता है कि साइमन की कंपोजिशन क्या थी। सिर्फ इतना पता होगा कि 7 लोग आए थे, भारत आए, देखिए जो कहानी हमें याद पढ़ाई जाती थी इवन तो आप लोगों को भी वही पता होगा, उससे ज्यादा तो आई थिंक आपको पता नहीं होगा। एक चीज आपको यह पता होगी कि साइमन इंडिया आया, साइमन इंडिया आके क्या करना चाहता था यह भी आपको पता होगा कि 1919 का रिफॉर्म करना चाहता था जो कि बिल्कुल गलत है, सिर्फ वो 1919 का एक्ट चेंज करने के लिए नहीं आया था। यूपीएससी को भी पता है कि बच्चे को ये पता है कि 1919 एक्ट की बात करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 3 चीजें चेंज करना चाहता था। वो क्या थी वो शायद आप लोगों को पता हो, मैं आप सिर्फ मोटे मोटे से कह रहा हूं। दूसरी चीज, साइमन कमीशन आने के समय आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने साइमन को बायकॉट किया और कौन से वो लोग थे जिन्होंने साइमन को एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि बहुत अच्छा हुआ कि साइमन आए।
साइमन की रिपोर्ट को व्हाइट रिपोर्ट क्यों कहा जाता है? साइमन के समय उस समय दो भारतीय ऐसे थे जिन्होंने उनकी उनका साथ दिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या आपने पढ़ी या आप इसको लेफ्ट कर चुके हैं? सो ये खाली साइमन कमीशन की कहानी नहीं होने वाली है। होपफुली जब मैं साइमन कमीशन पढ़ाऊं तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगे। जो ऑलरेडी आप साइमन कमीशन पढ़ चुके हो उस साइमन कमीशन को आप थोड़ा सा स्टोरी वाइज नहीं रखिएगा। अब ये तो एक सीधी सी बात है कि साइमन गो बैक का नारा दिया गया, लेकिन सबसे पहली चीज हमें जरा साइमन कमीशन के बारे में जरा पढ़े तो आप पता चलेगा कि क्या नई चीजें हैं जिन पे हमें यूपीएससी प्री का क्वेश्चन बनेगा और जिसमें हम लोग मेंस में बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश की है और फाइनली मैं ये कहूंगा कि अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। इंडिया की एक ऐसी कमीशन जिसको हम लोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं, इसको पॉपुलरली कहा गया था दैट इज इट इज नोन एज ए साइमन कमीशन। इट वॉज अपॉइंटेड बाई द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश लोगों ने अपॉइंट की गई, ये भी हम लोगों को पता है तो ये कोई नई बात नहीं थी, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927। अब यहां पे यूपीएससी आपको सवाल करेगा। भाई दिमाग में एक चीज मेरी याद आती है, कितने बच्चे आप में से मुझे ये आंसर देंगे और मैं मान जाऊंगा कि उनको ये पता है, इवन ये सारे सब लोगों का पता है। सवाल मेरा ये बनता है कि जब 1919 का एक्ट आया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा था कि जब भी हम नेक्स्ट एक्ट लाएंगे तो उसके बीच में गैप जो होनी चाहिए वो मिनिमम 10 ईयर की होनी चाहिए, यानी हर कोई एक्ट 10 साल के लिए बनाया जाता था। तो अगर हम 1919 का एक्ट देखें तो 1919 का एक्ट को एंड होने तक अभी 1929 के अंदर यह जो है चेंज होना चाहिए था। सी यस और नो, मेरी बात समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। 1919 जो एक्ट बनाया गया जिसको हम चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म एक्ट कहते हैं, इसका 10 साल का टाइम था, 10 साल के अंदर चेंज होने वाला था, यानी 10 ईयर इसके 1929 में पूरे होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों ने यह कहा कि हम 1927 के अंदर ही अब इसके ऊपर चेंज लाएंगे? कितने बच्चे आप में से जान पाएंगे और मुझे यह कह सकते हैं कि सर व्हाट वाज द रीजन दैट इफ The complete date of the this date was 1929, but why the British government were decided that we are going to bring some change in the 1919 Act? और इसके लिए उन्होंने 1927 की commission बनाई। Is anybody? No one. You know why? Because आपको background पता नहीं। अगर मैंने आपको कहानी पूछी होती तो आपको पता होता। मेरा सब सिंपल सा सवाल है, फिर से मैं आपको सवाल सवाल समझ दीजिएगा। मैं आपको यह सवाल कर रहा हूं, यहां पे दिखा रहा हूं, तो आप जरा मुझे आंसर दीजिए और बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप में से एक बच्चा भी आंसर देगा। 1919 का जो एक्ट है इसकी पूरा टाइम जो होना चाहिए था दैट वाज 1929। 1929 के अंदर एक कमीशन बैठना चाहिए था जो सही तरीके से होना चाहिए था। 1929 के अंदर कमीशन आता और वो रिफॉर्म करता, लेकिन सवाल है कि अचानक से 1927 के अंदर ही कमीशन क्यों बना? इसके ऊपर जरा बताइए रीजन क्या था कि 1927 के अंदर ही ये जो है कमीशन बुलाया गया। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, कहानी सारी इसी के पीछे छुपी पड़ी हुई है, ये जरा समझिएगा। यही वजह थी कि भारतीय लोगों को ये खल रहा था कि आखिर ऐसा हो क्या गया, अचानक से ये बंदा क्यों आया है, वरना हमें साइमन गो बैक से कोई भी नाराजगी नहीं थी। मान के चलते हैं कि 7 मेंबर अंग्रेज ही थे, एक ये रीजन था। व्हाट वाज द सेकंड रीजन दैट द इंडिया वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन? क्या रीजन था वो कि 1927 के अंदर क्यों आना चाहता था? और ये कमीशन 1927 को बनता है और बनता 1928 को आ जाता है। रीजन नोबडी नोस। आप में से एक भी बंदे ने, देखिए इसको कहते हैं कि हम लोग एनालिटिकल अप्रोच में जैसे ही सवाल जाता है एनालिटिकल अप्रोच, क्योंकि ये क्लास कहानी की क्लास तो है नहीं, सुहेल तुर्की तो कहानियां पढ़ाता नहीं है, नहीं किसी ने भी नहीं दिया है आंसर सही, किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया है, नहीं ना, मुझे उम्मीद थी कि एटलीस्ट कोई बंदा इसमें ना ना। अब आप देखिए आपके हालात क्या है। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि जैसे ही मैंने थोड़ा सा एनालिटिकल कर दिया
तो हालत खराब हो गई। अगर मैंने कहानी पूछी होती, नहीं किसी को नहीं पता 108 स्टूडेंट जो इस बार यूपीएससी प्री के लिए जा रहे हैं, उन सबको यह पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। अब सुन लीजिए, तभी मैंने कहा था कि मैं साइमन कमीशन की डिटेल और स्टोरी पढ़ाने नहीं आया हूं। हाँ, उम्मीद करता हूं कि आपने साइमन की स्टोरी बहुत अच्छे से सुनी होगी, और बच्चे बच्चे को वैसे साइमन कमीशन की कहानी पता है। इट्स अ वेरी सिंपल रीजन। 1900, आप देखिएगा यहां पे सिंपल, 1919 को एक एक्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सर चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म एक्ट। ठीक है बेटा, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म एक्ट। आप देखिए जिस बच्चे को रिफॉर्म एक्ट, अब मैं आपको यहां एथेंटिसिटी बताऊंगा। आप लोग सब विकिपीडिया यूज करते हैं ना बेटा, अभी करके देख लीजिएगा और आपकी आपकी हालत आपको पता चल जाएगी कि आप कहां पे हो। सो मैं सबको कहूंगा कि चेक कर लीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि आप चेक कर लें। That's good. The reason behind that the Chelmsford-Montague Reform Act in the 1919 को चेंज करने की बात 1927 में क्यों की गई, बिकॉज अब इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन होने वाले थे। इंग्लैंड के अंदर जो इलेक्शन होने वाले थे, उस इलेक्शन के डर के मारे इन्होंने, ऐसा लग रहा था कि वहां की जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी रूल कर रही थी उस समय, जो पार्टी रूल कर रही थी उस पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव लोगों को आप जानते ही हैं कि ये वो लोग होते हैं जो बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। उनको इस बार ऐसा लग रहा था कि हम लोग इस बार इलेक्शन हार जाएंगे, और उनको लग रहा था कि अगर हमने इंडिया को जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया तो आने वाली पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सो हमारे रहते हुए ही हम इंडिया को किसी तरीके से अपनी ग्रिप में ले लें, और यही वजह हुई। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। एक बच्चे ने आंसर दिया है, अरे नाम मुझे नहीं याद रखा, हाँ यूनिस नबी ने, बिकॉज इलेक्शंस वेयर काउंसल बिटवीन द लेबर एंड द कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव को यह लग रहा था कि अब लेबर की जीत होने वाली है, उनको पता चल चुका था कि लेबर जीत जाएंगे, और लेबर पार्टी को यह कहा जाता था कि ये वो पार्टी है, इंग्लैंड में इस पार्टी को कहा जाता था ये वो पार्टी है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये कुछ भी कर देंगे। इवन भारत को आजादी दिलाने में भी लेबर पार्टी का ही हाथ था। सो इनको ये लगता था कि जल्द से जल्द हम ऐसा काम कर दें कि कुछ ऐसे एक्ट हम पास कर दें कि इंडिया हमसे छूट ना जाए। उनको डर था कि हम इलेक्शन में हार जाएंगे, अदरवाइज ये 1929 का काम था। अब खुद सोचे, इंग्लैंड वालों ने तो ऐसा सोच लिया, इंडिया वाले उनसे ज्यादा समझदार थे। एंड देन दे डिसाइडेड कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां पे यूपीएससी आपको यहां पे फंसाएगा कि ये तो आपको पता है कि 1927 के अंदर आया, लेकिन यहीं पे एनालिटिकल सवाल प्री बेसिड स्टेटमेंट बेसिड क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट बेसिड क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि आखिर वो क्यों आया था। तो दो रीजन है, बट व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन। फंडामेंटल रीजन ये नहीं था कि रिफॉर्म करना है, फंडामेंटल रीजन ये था कि उनको कंजर्वेटिव क्लासेस को खतरा लग रहा, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी कमीशन सेटअप किया 1927 और 1928, बोला जाओ जाओ देख लो क्या हो रहा है, अदरवाइज उनको कोई फिक्र नहीं थी। आप जिन लोगों ने भी आंसर दिया है वो राइट ट्रैक पे है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होंगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा मुझे जवाब दे पाए तो बहुत खुशी होगी कि वो राइट ट्रैक पे है, स्टोरी उसने नहीं पढ़ी है। स्टोरी हम सब जानते हैं, स्टोरी पे नहीं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर साइमन कमीशन, ये सबको पता है। टू रिवाइव द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये कहते हैं कि हमने ये कमीशन इसलिए बिठाया है ताकि जो 1919 का एक्ट है उसके ऊपर रिफॉर्म किया जाए, बदलाव किया जाए। लेकिन इन्होंने इंडिया को ये नहीं बताया कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारी पार्टी हारने वाली है और हम जल्दी जल्दी किसी तरीके से अपने सारे दाव खेल के आपको अपने अंडर कर लेंगे। देखिए चालाकी, इसीलिए मैंने कहा था ये यूपीएससी का एग्जाम है बेटा, ये खेल नहीं है। अगर कहानियां पढ़ाऊं तो इतनी अच्छी कहानी साइमन के बारे में मेरे पास है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ए स्टोरी एट ऑल, बट व्हाट यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम यू, दैट्स इंपॉर्टेंट। इवन इससे मोर एनालिटिकल होगा, अभी और एनालिटिकल होगा। अगली चीज याद करिएगा कि इस कमीशन को जब बिठाया गया
देयर वेदर, अब देखिए ये क्या कहते हैं, कंसिडर्ड ऑफ द सेवन मेंबर्स, इसके अंदर सेवन ब्रिटिश मेंबर्स थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स, ठीक है सर, ये भी अच्छा लगा, ये भी हम लोगों को पहले ही पता था। अब सवाल यहां पे ये बनेगा कि उस समय इंडिया का एसओएस का नाम क्या था, एसओएस जो उस समय था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एट द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन, व्हेन लॉर्ड इरविन वॉज द वाइसराय, हु वॉज द एसओएस ऑफ इंडिया, द एसओएस वॉज नोन एज लॉर्ड ब्रिकेनहेड, क्या इसका कोई रोल है? अब कितने बच्चे ये जानते थे इससे पहले, आई डोंट नो, उम्मीद है कि आप में से कोई बच्चा जानता होगा। लॉर्ड ब्रिकेनहेड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, माना यह जाता है कि इतना वॉयसराय ने रोल प्ले नहीं किया जितना इस बंदे ने रोल प्ले किया। अब एसओएस के बारे में आपको याद होगा, एसओएस के बारे में आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है, ये एक्ट 1858 के एक्ट के थ्रू हमने बनाया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके 15 मेंबर्स होते थे, इसका काम होता था कि इंडिया का सारा इंफॉर्मेशन क्राउन तक पहुंचाना, लुक आफ्टर करना, सारा कुछ। लेकिन ये बंदा इतना खतरनाक था, इतना तो हम लोगों को वाइसराय खतरनाक नहीं लगा जितना ब्रिकेनहेड लगा। अब इसकी बात, दूसरी बात, उस समय जब ये साइमन कमीशन भेजा गया, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उनका नाम स्टेनली था। होपफुली दो मार्क्स का क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेसिस में बनेगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेगा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं, इतना तो यूपीएससी नहीं खेलता, लेकिन एटलीस्ट स्टेटमेंट के बीच ही अंदर का क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड चीज आपको याद रखनी है कि उस समय के वॉयसराय का नाम लॉर्ड इरविन था, यह भी डायरेक्टली नहीं पूछेगा लेकिन स्टेटमेंट में मिक्स करके सवाल पूछेगा। इन दोनों का कोई भी काम नहीं था, सारा काम इस बंदे ने किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे एसओएस का रियल पावर हमें देखने को मिला। जब साइमन कमीशन आया तो मुझे पता चला कि असल में एसओएस क्या है, वरना उससे पहले एसओएस इतना काम नहीं करते थे। वेरी गुड, अब ये याद रखिएगा, ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, कौन एसओएस था, कौन प्राइम मिनिस्टर था और कौन वाइसराय था। अब प्रॉब्लम आगे जो है, क्या आप जानते हैं कि इस कमीशन के अंदर दो भारतीय थे जिन्होंने ये कहा था कि साइमन कमीशन इंडिया के लिए बेस्ट है? Do you know the name of that person? आप में से कोई बंदा मुझे कह सकता है, आप में से मुझे कोई बंदा यह कह सकता है कि दो ऐसे इंडियन जो साइमन कमीशन में तो थे और उन्होंने ये कहा था कि यह ठीक हो रहा है और इंडिया को यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा कि सात मेंबर थे, सातों के साथ आए, कमरे के अंदर बैठे, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, और इंडिया के ऊपर रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। नोबडी नोज, नोबडी नोज। अब यहां पे देखिएगा, ये बनते हैं हमारे लिए प्री के क्वेश्चन। टू इंडियंस, दो हिंदुस्तानी, दो भारतीय, वन वॉज लॉर्ड सिन्हा एंड मिस्टर साकेते वाला, इनके बारे में आपने पढ़ा है, ये वो लोग थे जिन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक साइमन को फेवर किया, यानी साइमन जो करने आया है, यानी कि जिसको हम रिफॉर्म कहते हैं, नो लाला लजपत राय, नो 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 बेटा, ये एरर है, ये ब्लेंडर है, ये ब्लेंडर है, आप लोग क्या कर रहे? दो सवाल पूछे गए आपसे, मुझे पता था, मैंने जब ये स्टार्ट किया मुझे ये पता था बच्चा ये बोलेगा, अरे बाबा साइमन कमीशन तो हमने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, अभी तो कहानी शुरू हुई है बाड़ा, अभी साइमन कमीशन के नीचे रिपोर्ट देखिए जो यूपीएससी सवाल करता है। और मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, ये तो ऑनलाइन क्लास है ना, लाइव क्लास चल रही है ना बेटा, जाके खोल लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अभी खोल सकते हैं आप, फ्रॉम सिंस 2011 टू 2020 तक आप कोई भी क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, ये जितने भी नोट्स हैं, डाटा और ऑल बेस्ड ऑन द एनालिटिकल अप्रोच और यूपीएससी की डिमांड से। नो, इफ यू डोंट नो से सर नो, आप नहीं जानते, एक्सेप्ट योर, हाँ सर गलती हो गई है, हमने शायद कहानी पढ़ ली थी, लेकिन कहानी के अंदर क्या चीजें थी, क्योंकि यूपीएससी कहानी पूछता नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से जब से ये क्लासेस ले रहा हूं, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास एक बच्चा भी पढ़ता है तो मुझे खुशी होती है कि वो क्यों आता है सुहेल तुर्की की क्लास में, वो भी जानता है और मैं भी जानता हूं। जो बच्चे बाय चॉइस आते ना, लाइक एक बच्चे ने मुझे मैसेज की थी कि सर मैं वेट करता रहता हूं कि शाम को आपकी क्लास हो, वेट वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि मैं इतना स्मार्ट हूं और ये है,
मुझे सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट मेरी बात वो समझ रहा है. व्हेन आई वाज लाइक जब मैं एक्चुअली इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, इन चीजों को मैंने बहुत मिस किया था. और मेरे समय में इतनी अच्छी स्टोरीज पढ़ाई जाती थी, मैं उन टीचर का नाम मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि अच्छी चीज नहीं है. मैंने बहुत अच्छे टीचर्स के पास पढ़ा है, रिनाउंड टीचर्स जो होते हैं ना, जिनका बड़ा बड़ा नाम है, उनके पास भी पढ़ा है. मुझे ये बाद में एहसास हुआ कि शायद हम लोगों को जब हम टीचर के साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत लव हो जाता है टीचर के साथ. क्लास में टीचर के साथ मजा आया, पता है टीचर ने आहा जो बोले ये बोले. मैं आप लोगों को आज कह देता हूं कि प्लीज फॉर गॉड सेक मेरे पे एक मेहरबानी कर लीजिएगा, ऐसे बहकावे में मत आइएगा और अननेसेसरली वीडियोस मत देखो. मैं सुबह जब उठता हूं मुझे बड़ा दुख होता है. आपने कभी नहीं देखा होगा मैं अननेसेसरली वीडियोस कोई भी डालने की कोशिश करता हूं. अगर एक टीचर के अंदर दम है और वो आपकी मदद करना चाहता है तो वो पढ़ाए. टाइम मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, वो हम खुद कर लेते हैं. हमें पढ़ाइए सर जो यूपीएससी डिमांड करता है. बस मैं इस मकसद के लिए आया हूं. फिर मैं कितने दिन तक सरवाइव करता हूं, इवन आई डोंट नो. मुझे खुद पता नहीं होता है कि मैं कितने दिन तक कहां पे सरवाइव करूं, एक दिन, दो दिन, दस दिन, जान. लेकिन जितने दिन मेरे पास है मैं बच्चों को दे देता हूं. फिर नेक्स्ट क्या होगा मेरे साथ, नोबडी न्यूज. यहां पे जरा देख लीजिएगा व्हाई साइमन. अब सवाल जो है इसको जरा एनालिटिकल करके देखते हैं. व्हाई साइमन, अब किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि सर साइमन इसलिए आया था क्योंकि उसको 1919 का एक्ट रिफॉर्म करना था. कहां है भाई, गलत बोल रहे हो. बुक के अंदर मेंशन है कि वो तीन चीजों को चेंज करेगा. तीन चीजों पे बात की गई थी और इंडिया के लोगों को ये बताया गया था कि हम इसलिए आए हैं, हम इसलिए आए हैं. एक तो पहली चीज हमें इंक्वायरी करनी है 1919 एक्ट की. इंक्वायरी है, इंक्वायरी का मतलब होता है कि छानबीन करनी है. देन अगर छानबीन सही निकली देन वी विल गो फॉर द रिफॉर्म, तब हम इसमें बदलाव लाएंगे. अगर वर्ड जो है देखिए समझिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि इंक्वायरी ऑफ 1919 एक्ट, इंक्वायरी करेंगे, अगर हमें कुछ गड़बड़ लगी तो हम इसमें रिफॉर्म करेंगे. ये बात तो यहां पे भी क्लियर हो जाती है कि स्टेटमेंट में अगर यूपीएससी पूछता है तो रिफॉर्म कब हुआ, तो भाई रिफॉर्म हुआ 1935 में. तो कोई रिफॉर्म इतने लेट थोड़ी ना होता है. रिफॉर्म अगर 1919 के अंदर इंक्वायरी हुई, 1919 का एक्ट आया और 1928 में इंक्वायरी हुई, तो 1928, 1929, 1930, 31, 32, 33, 34, 35, यार आपने 7 साल लगा दिए रिफॉर्म करने में, क्योंकि ये इंक्वायरी करने आया था. इंक्वायरी करने के बाद बोला मैं रिफॉर्म करूंगा और रिफॉर्म रिपोर्ट हमारे 1934 को आई और फिर एस्टेब्लिश हुआ 1935 का एक्ट. इसका मतलब है सर अंदर कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि कोई इंक्वायरी होती है रिपोर्ट 2 साल 1 साल के अंदर आ जाती है, लेकिन यहां नहीं आई. ये अब मुझे यहां से पता चला कि ये इलेक्शन का मामला चल रहा था, ये सब इलेक्शन बेस्ड था. इंडिया को दिखाया जा रहा था कि हम आपकी हेल्प करने वाले हैं. नो मोर मैसेज प्लीज, मैं फिर डिस्टर्ब हो जाता हूं आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट, ये इसलिए यहां पे आया था कि लेट्स हैव अ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन. मैं एजुकेशन की ग्रोथ करना चाहता हूं. कितने बच्चे आप में से ये जानते थे कि साइमन ने ये वर्ड यूज किया था कि इंडिया को इस समय ग्रोथ ऑफ एजुकेशन की जरूरत है. साइमन कमीशन के अंदर अगर वो यूपीएससी में थोड़ा सा चेंज कर दे, उसको भी पता है कि बच्चे को ये पता है 1919 का एक्ट, लेकिन साइमन अगर थोड़ा सा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे यूपीएससी ये कहे कि वो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन की बात करने आया था, आप में से मेनली कुछ ही बच्चों को पता था कि उसने ये बात भी की. तीसरी बात उसने की थी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया, हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे ताकि आप लोगों को भी लगे कि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है पॉलिटिकल सिस्टम में है. लेकिन अक्सर जब भी हम बच्चे से पूछते हैं वो इस बारे में बात करता है. सो प्लीज याद रखना कि ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बनेंगी आपकी प्री बेसिड, और ये भी डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ये भी आएंगी स्टेटमेंट बेसिड. क्लियर बेटा? अगली चीज जरा देखिए सर, अकॉर्डिंग टू द इरविन, अब इस बंदे को सुनिए ये क्या कहता है.
दुख इस बात का हुआ कि इरविन कुछ और कहता है। इरविन कहता है, ये जरा सुनिएगा क्योंकि आज टॉपिक इरविन के ऊपर भी है। इरविन कुछ और देता है। थैंक यू ड्रीम, प्लीज ये मैसेज आप करते हैं ना तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं। अच्छा, जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उनको पता नहीं, मैं अपनी क्लास में बिल्कुल लाइक नहीं करता हूं कि आप मैसेज टाइप करते हैं। हाँ, जब मैं बोलूं आप मैसेज टाइप करें, और मैं लास्ट के 10 या 20 मिनट आपको देता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं ले लूंगा, आई प्रॉमिस। सो टिल देन आप टाइप करेंगे मैसेज तो फायदा नहीं होगा क्योंकि आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। लॉर्ड इरविन ने क्या कहा था इंडिया के लिए? ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब और गरीब था, इसको खुद भी पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है। अब साइमन के लिए ये क्या कह रहा है? That Indians had not been able to give an accurate picture of the capacity to govern themselves. यानी भारतीय लोगों को जहां तक मैं समझ पाया इनमें इतनी ताकत है ही नहीं कि ये अपनी कंट्री को खुद चलाएं। यार हद हो गई, तुम वही निकले ना। अब इस बंदे को कंपैरिजन करके डालिएगा, इसकी सोच, और मुझे अब याद आती है सोच लॉर्ड लिंटन की। याद करिएगा कि ये जो ये बात कर रहा है ना, ये बिल्कुल कंजर्वेटिव वाली बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जब तक 1928 के अंदर ये कह रहा है कि इंडिया को हम लोग कंट्रोल पावर नहीं दे सकते। यू नो व्हाई? बिकॉज इंडिया अभी तक मैच्योर हुआ ही नहीं है, यानी इनमें इतना टैलेंट नहीं है कि ये अपनी कंट्री को खुद से चलाएं। इस बात से यह साबित हो गया था कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को अभी भी कोई नया एक्ट नहीं मिलेगा, हमें 1919 एक्ट के ही थ्रू चलना पड़ेगा। और अगर हमने इंडिया को, और ये कह रहा है कि कोई एक्यूरेट पिक्चर मुझे देखने को नहीं मिली, यानी इंडिया के लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये बंदा वही जेम्स मिल वाला है, याद है ना? जेम्स मिल ने 1917 में कुछ कहा था कि इंडिया इज द अनसिविलाइज्ड कंट्री। सेम वही वर्ड यूज करता है कौन, जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले पढ़ाया था, लॉर्ड लिंटन भी कहता है इंडिया की कंट्री मुझे बिल्कुल बेकार सी लगती है। और यही बंदा आज कह रहा है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया इतना मैच्योर नहीं है। क्या बात है, हद है कि तुम एक वाइसराय होके ये कह रहे हो कि इंडिया हैड नॉट बीन एबल टू गिव एन एक्यूरेट। इस बात से अब ये क्लियर हो गया था कि इंडिया के अंदर ये रिफॉर्म रियलिटी वाला रिफॉर्म नहीं है। साइमन को सिर्फ अखाड़े में खड़ा कर दिया और भारत के लोगों को सिर्फ दिखाने की कोशिश की कि हम आपके बारे में कुछ सोचते हैं। सी, ये लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन के बाद एक दुख और आया जब इन्होंने ये कहा कि स्टालिन जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, अब इसकी जरा बात सुन लीजिए तो और हद पार हो जाएगी। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये साइमन कमीशन के टाइम पे हो रहा है। स्टेनली कह रहे हैं वेदर टू गिव ए डोमिनियन स्टेटस और नॉट, सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन द साइमन कमीशन। स्टेनली से जब पूछा गया कि आपकी क्या राय है कि क्या हम लोगों को, इंडिया के लोगों को कोई हेल्प करनी चाहिए या इंडिया के लोगों को, हम लोगों को कुछ देना चाहिए, पहला बंदा ये कहता है कि ये तो ग्रो ही नहीं हुए, ये तो अभी बच्चे हैं, इनको पालना है अभी। स्टेलिन साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, साइमन जो कहेगा मैं वो करूंगा। इसका मतलब ये है कि ये साइमन कमीशन जो थी ये एक कॉन्स्पिरेसी थी और ये एक दिखावा था, क्योंकि इलेक्शन लड़ा जा रहा था और भारत को अलग अलग तरीके से उलझाने की एक तरीका था कि किसी तरीके से हम इंडिया को उलझाए रखें अंटिल एंड अनलेस जब तक हमारा इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। और ये आज कंटेम्परेरी इंडिया में भी चलता है। जब भी कोई मुद्दा आता है तो आप कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं कि लोगों का डाइवर्जन वहां हो जाता है और मसले वहीं के वहीं रह जाते हैं। रियलिटी ये थी कि इंडिया बहुत तंग आ चुका था। आपने 1919 एक्ट में, याद होगा कि आपने हमसे वादा किया था, विच इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। क्या आप वो बात भूल गए जब आपने कहा था कि प्लीज फॉर गॉड सेक हमारी मदद कीजिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में? याद है ना बेटा, यूपीएससी मेंस में सवाल भी कर चुका है। क्या कहा था भारतीय लोगों को कि हमारे साथ मदद कीजिए 1914 टू 1918, अगर आप हमारे साथ मदद करेंगे तो हम आपको मौका देंगे डायआरकी का, डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन वो स्टेटस आपने कभी नहीं दिया और यही चक्कर हुआ कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। अब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं,
लॉर्ड इरविन साहब कुछ कह रहे हैं और साइमन साहब कुछ और कहेंगे और ब्रिकेनहेड साहब कुछ और कहेंगे. सो दिस शोज दैट द इंटायर जो सारी चीजें हो रही हैं वो बहकाने के लिए हो रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ यहां पे अब प्री का क्वेश्चन बनेगा कि हु एक्चुअली फर्स्ट स्टार्टेड टू अपोज द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन को सबसे पहले अपोज किसने किया था? सबसे पहली कांग्रेस कमेटी जितनी भी थी या कांग्रेस की जो पार्टी थी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया. दे सेड कि साइमन का आना ना आना हमारे लिए कोई फायदा नहीं रखता है. उसके बाद मुस्लिम लीग, ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि यहां पे हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बराबर देखने को मिली, जबकि उस समय हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी. तेज बहादुर सपूर, इनके बारे में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उसके बाद IICC, आई होप IICC का पता मतलब हो आपको, इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस कमिटी इनका नाम था. ये एक और कमेटी कमीशन, उस समय एक पार्टी छोटी सी थी. हिंदू महासभा एंड भगत सिंह, इन लोगों ने बिल्कुल उस समय प्रोटेस्ट करके क्लियरली बता दिया था कि हम साइमन को बायकॉट करते हैं. अब अगर कल यूपीएससी प्री में आपको क्वेश्चन पूछ भी डाले, उन लोगों का नाम बताइए जिसने साइमन कमीशन को बायकॉट किया, या उसका नाम बताइए जिसने साइमन कमीशन को बायकॉट नहीं किया. स्टेटमेंट बेस्ड है ना, विच वन ऑफ दैट हैव पार्टिसिपेटेड और रिवोल्टेड और ओपोज द साइमन कमीशन. तो नीचे स्टेटमेंट दिया होगा तो इन लोगों का आप याद रखेंगे. अब सवाल यह बनता है, कि अब आपको यहां पर यह सवाल पूछेगा कि हु सपोर्टेड द, किसने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को, हु सपोर्टेड द साइमन कमीशन. अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने साइमन कमीशन को बहुत अच्छे से कहा कि यार ये इससे बेटर गवर्नमेंट और इससे अच्छी स्टेटमेंट हमें नहीं मिल सकती. फर्स्ट मोहम्मद शफी. नाउ ये पॉइंट डाल देगा, इंसान परेशान हो जाएगा, अच्छा मोहम्मद शफी कहां थे. उसके बाद जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, ये एक पार्टी जो है इट इज रिलेटेड टू द पार्टी ऑफ, याद होगा आपको, याद करिएगा थोड़ा सा, मैंने पढ़ाया होगा. तो जस्टिस पार्टी उस समय जो रूल करती थी ना, ये किन के लिए थी? ये थी आपकी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाले जो बैकवर्ड लोगों के ऊपर बात करते थे कि उनको हक मिलना चाहिए. तो उस समय ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज जो है हमारी मदद करेंगे. बाद में गांधी जी की 1932 की वजह से जो है इन लोगों को भी हमने अपने अंडर ले लिया. प्लस सिख संघ ने भी कहा कि हम लोग भी साइमन के साथ हैं. ऑल इंडिया एक्यूट फेडरेशन ने भी बोला हम भी गांधी, हम भी साइमन के साथ हैं. ये कहना कि भारत के सारे लोगों ने अपोज किया, ये गलत है. बहुत सारे लोग साइमन के साथ भी खड़े थे. अब आप में से कितने लोग इन लोगों के बारे में जानते थे, ये कल यूपीएससी आपको पूछने की कोशिश करेगा. यही आपका बनता है ओवरलैपिंग क्वेश्चन, और यहां से निकलते हैं आपके प्री के क्वेश्चन. और उस समय क्योंकि आपने कहानी बहुत अच्छी पढ़ी होती है तो कहानी में से ये सवाल नहीं निकलते मेरे भाई. कहानियां कुछ और होती हैं, रियलिटी कुछ और होती है. सो इसका मतलब है हमारे पास दो. What was सर overall response? Overall response हमें बताइए, पूरे भारतीय लोगों का response क्या था. इतना आपने बता दिया कि एक oppose कर रहे थे, एक support कर रहे थे. But अगर overall की बात करें तो overall Indians कौन से होते हैं? Overall में अगर आप देखेंगे तो 1927 मद्रास का कांग्रेस सेशन, वेरी 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 वेरी, इसको ऐसे कर लीजिए, अक्सर ये पूछता है कि सेशन के अंडर, ऐसे पूछेगा किस सेशन के अंडर कौन प्रेसिडेंट था और वो कांग्रेस सेशन कहां पे हो रहा था जिसमें साइमन बायकॉट की बात की गई. अक्सर हम लोग ये तो याद रख लेते हैं कि साइमन बायकॉट हुआ, लेकिन हम ये याद नहीं रखते कि किस सेशन के अंडर हुआ, कौन प्रेसिडेंट था. और ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है सर, ये 1927 के अंदर मद्रास कांग्रेस सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट उस समय डॉक्टर अंसारी थे. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया. व्हाट वाज द रेजोल्यूशन? इस पे भी प्री का क्वेश्चन. रेजोल्यूशन ये था, एट एवरी स्टेज एवरी फॉर्म वी विल बायकॉट इट. हम हर जगह हर कोने में हर एक टाइम साइमन को बायकॉट कर दें. अभी साइमन आया नहीं है, साइमन विल अराइव इन 1928. इसका मतलब है इंडिया के लोगों ने 1927 से ही तैयारियां कर ली थी. गुड.
वेरी एक्सीलेंट। पूजा मिश्रा कहती है कि स्पेक्ट्रम में, प्लीज पूजा हेल्प मी कि अगर आपको पेज नंबर पता है तो ताकि मैं बाकी के बच्चों को भी बता दूं। पेज नंबर 358 ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड इफ देयर इज अ एडिशन समथिंग एडिशन सो चेंज होते हैं पेज नंबर एंड 367। एक बच्चा है जिनका नाम बैंक बीक है, आई डोंट नो मैं पूरी तरीके से, पेज नंबर 358 इन द स्पेक्ट्रम। मैं पेज नंबर इसलिए बताता हूं और ऑथेंटिसिटी इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को यह पता चलता रहे कि हम सही ट्रैक पे हैं। थैंक यू सो मच। इवन इट इज क्लियरली मेंशन इन द पेज नंबर 358 द एडिशन इज 2019 एडिशन। वाह यार थैंक यू सो मच। अच्छा एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, बीच में जरा अच्छी चीज लगती है तो कोई ले लेता है। इनका नाम बेइंग बैक है, वो ये कह रहे इज ही टॉकिंग अबाउट द कैटलिस्ट वाला सर, बिकॉज वही स्टोरी बना के पढ़ाते हैं। भाई मैंने किसी टीचर का नाम लिया है, आई लव एवरी टीचर एंड आई रेस्पेक्ट एवरी टीचर, आई सैड आप स्टोरी मत पढ़े। सो फॉर मी एवरी टीचर, आई रेस्पेक्ट एवरी टीचर, बट आई जस्ट सेड लाइक कि यू प्लीज फॉर गॉड से डोंट ही टूवर्ड्स द स्टोरीज एज पर एज द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टोरीज ऑफ द साइमन कमीशन, दे विल पुट अ क्वेश्चन इन एनालिटिकल फॉर्म। ये मैंने कहा था। That's good. That's good in 2019 edition in 358 page. Love you all. Thank you so much कि आप लोग clarity दे देते हैं ताकि बच्चे बाद में देख भी लें। So this resolution is very very much important and keep it that very 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 important. At least आपके दो marks तो आपको save मैंने करा दिए। उम्मीद करता हूँ in future में हम कभी अगर मिले life में तो मैं उस समय कहूँगा कि बेटा मैंने ये कहा था कि यहाँ से question निकलेगा और निकलेगा जरूर। अब आगे जरा देखिएगा कि इसी बीच में सर एक और चीज हो गई, भारत के अंदर इस साइमन कमीशन के लिए दो नई पार्टी इमर्ज हो गई। का नाम एक था नौजवान भारत सभा। कल यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि नौजवान भारत सभा क्यों बनाई गई, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ में बना रहा हूं कि आपको यह पूछा जाएगा कि नौजवान भारत सभा क्यों बनाई गई, फिर नीचे स्टेटमेंट दे देगा, क्योंकि ये आप याद रखिएगा ये जो पार्टी थी ये वर्कर की थी और पीजेंट्स की थी, तो नीचे वो ये देगा कि दिस पार्टी बिलोंग्स टू द वर्कर एंड पीजेंट, दे वर हैविंग अ प्रॉब्लम फॉर द टैक्स। सेकंड चीज लगेगा कि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द आईएनसी, ऐसी चीजें डाल देगा। बट बेसिकली द नौजवान भारत सभा इसलिए बनी थी, ये पीजेंट लोग थे और वर्कर लोग थे, और उस समय के पीजेंट्स और वर्कर्स ने साइमन के खिलाफ, साइमन गो बैक के खिलाफ एक अपनी पार्टी बनाई, बोला कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी साइमन को नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है गरीब लोगों ने भी, पीजेंट लोगों ने भी, वर्कर्स लोगों ने भी साइमन की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी पार्टी बना ली। इससे पता चलता है कि भारत की आजादी में गरीब जो आवाम की, पीजेंट की, किसान की, मजदूर की कितनी इंपॉर्टेंस। और इसी के साथ साथ भारत के सबसे यंग लीडर उस समय के, आज के यंग नहीं, उस समय यंग लीडर जो थे, एक का नाम, इन्होंने एक नई पार्टी बनाई साइमन कमीशन के खिलाफ। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के खिलाफ जिन पार्टीज को बनाया गया उनके नाम बताइए। सो साइमन कमीशन के खिलाफ एक और पार्टी बनाई गई, अब इतनी पार्टीज हो गई कि खुद भी वो भूल गए। यह बनाई थी पीटी जवाहरलाल नेहरू ने और उसके साथ थे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ये सोशलिज्म बेसिक पार्टी बनाई। अब यंग इसमें थोड़ा सा मुझे एड ऑन करना है, जरा समझिएगा, थोड़ा सा एनालिटिकल होगा। अब याद करिएगा कि ये पार्टी कहती है कि हम लोग अब यहां पे सोशलिज्म पे काम करेंगे। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म लाया है वो पीटी जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। अब पीटी जवाहरलाल नेहरू ने कैसे लाया, तो याद रखिएगा ये कंसेप्ट रशिया से लेके आए थे, और उस समय क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सोवियत यूनियन के अंदर, क्योंकि सोवियत यूनियन कब बनी थी तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि रशियन रेवोल्यूशन के अंदर ये समय 1919 का था, क्योंकि उस समय के लेनिन का याद होगा कि उन्होंने पूरी तरीके से रशिया के अंदर सोशलिज्म ले आए थे, साम्राज्यवाद जिसे कहा जाता है, समाजवाद।
पूरी तरीके से एडिशन 2018 पेज नंबर 368 पे दिया गया है। और इस पार्टी के अंदर आपको याद होगा, इस पार्टी ने भारत के अंदर एक सोशलिज्म सोच जगाई। अब सोशलिज्म वो लोग होते हैं, मैंने ये भी पहले भी पढ़ाया, होप जिन बच्चों ने मेरे पास मेरे यूपीएससी मेंटर के ऊपर क्लासेस दी होंगी वर्ल्ड हिस्ट्री की, इनका मेन मकसद क्या होता है, इनका मेन मकसद होता है कि जो ओनर होते हैं ना, ओनर, लैंड ओनर बड़े बड़े, उनके यहां पे जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हम लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टीज रखनी है, ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज। सोशलिज्म के फादर जिन्हें माना गया है वो है कार्ल मार्क्स। इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन रशिया। देखा भाई, साइमन कमीशन पढ़ रहे हैं ना, कितनी नई चीजें समझ में आई होंगी। यानी साइमन कमीशन आपने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आज आप नहीं पढ़ रहे, मुझे उम्मीद है। और टू द पॉइंट रिगार्डिंग द यूपीएससी, अब इसी बीच में हम लोगों को लाला लाजपत राय याद आ गया। जरा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर आपको कह दूं कि 2018 यूपीएससी प्री का पहला क्वेश्चन, 2018 यूपीएससी 2018 यूपीएससी पहला क्वेश्चन अगर आप चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा, 2018 यूपीएससी प्री में पहला क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लाला लाजपत राय के बारे में पूछा गया है। चेक कर लो, अगर आपके पास हो तो आपको पता चल जाएगा। 2018 में यूपीएससी प्री में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय इन लाहौर। लेकिन लाला लाजपत राय ने, अगर आपको याद होगा कि लाला लाजपत राय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइमन कमीशन के टाइम पे, इनकी डेथ की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। और साइमन कमीशन को जब ये पता चला कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, तो साइमन कमीशन विड्रॉ इन द 17 फेब 1928 को ये यहां से विड्रॉ कर लेती है। और उसके बाद सेकंड टाइम साइमन कमीशन वापस इंडिया के अंदर अप्रैल 1929 में आती है। अब याद करिएगा कि इस बीच में बहुत ज्यादा हालात जब खराब हो गए, तो लॉर्ड ब्रिकिनहेड साहब आएंगे। ये हैं ब्रिकिनहेड साहब को देख लीजिएगा, ये हैं वो बंदे जिन्होंने भारत के अंदर काफी सारे एक अलग चीजें की। आई डोंट नो कि इनको क्या दर्द था इंडिया के साथ, इन्होंने कुछ चीजें ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए थी, और अब ये कुछ खेल खेलने की कोशिश करेंगे। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को खेलने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के बच्चे के पास 2018 यूपीएससी प्री का क्वेश्चन भी होगा, वो भी देख लेंगे, तब तक मैं आपको लाला लाजपत राय के बारे में भी बताऊंगा। लॉर्ड ब्रिकिनहेड ने चैलेंज दिया, जो कि SOS थे। अब ये SOS है, ये कहेंगे इंडिया को कि देखो, तुमने तो साइमन को यहां से भगा दिया, ठीक है, साइमन तुम लोगों के फायदे के लिए आया था, लेकिन तुम लोग क्योंकि सुधरने वाले नहीं हो, अब मैं तुम लोगों को एक चैलेंज देता हूं, प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दीजिए, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ विच विल बी द एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। मुझे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो पूरी सोसाइटी भारत की है, उन सबको वो एक्सेप्टेबल। सवाल जरा समझिएगा, अब सवाल ये बनता है कि इंडिया के लिए एक चैलेंज आ गया, और ये चैलेंज आपको किसी और ने नहीं दिया, ये चैलेंज आपको दे रहा है, हाँ, ये चैलेंज आपको ब्रिकिनहेड दे रहा है। और ब्रिकिनहेड कहता है, अब देखिए, ये समझिएगा, देखिए टैलेंट कितना है। ब्रिकिनहेड को ये पता था कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स भी हैं और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भी हैं। ब्रिकिनहेड ये भी जानता था कि इनके आपस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में आज अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं, और एक फितना डाल दिया, कहा कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। अब ये देखिएगा कि दिल्ली के अंदर एक प्रपोजल बनाया जाता है। अब जैसे ये कहा जाता है कि यार आपको एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो इसको कहा जाता है दिल्ली प्रपोजल। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, अब इन दोनों के बीच में बात होती है कि भाई अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो बता दीजिए, हमारी क्या प्रॉब्लम है हम भी बता दें। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से और लीडर्स मिले। आप देखिएगा अली मोहम्मद जिन्ना क्या क्या कह रहा है। अली मोहम्मद जिन्ना कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान के साथ हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाने जा रहे हो उसमें मेरी कुछ चीजें ऐड कर दो।
अब ये आपका पॉलिटी में भी हेल्प देगा। पहली चीज, जो सिंध का एरिया है, सिंध शुड बी ए सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से अलग कर दो और इसमें सिर्फ मुसलमान लोग रहेंगे। तो कांग्रेस के लोग जो है उन्होंने लिख लिया, बोला ठीक है और क्या चाहते हो। उसके बाद वो कहता है कि नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटियर प्रोविंसेस एरिया जो है और बलोचिस्तान एरिया है उसमें सिर्फ मुसलमान रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे। तो बोला ठीक है, हो गए दो पॉइंट आपके। तीसरा, मुसलमान रिप्रेजेंटेशन जो है सेंटर में 1/3 होगी। बोला ये भी ठीक है और क्या चाहते हो। बोला पंजाब एंड बंगाल मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, सो ऑनली वहां से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही आएगा, हिंदू कोई वहां से रूल नहीं करेगा। अब इन्होंने इसकी बात मान ली और इसने कहा कि अगर आप मेरी ये बातें मान लोगे, आई प्रॉमिस यू कि हम सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम को छोड़ देंगे, क्योंकि इनको 1909 में मॉर्ली मिंटो ने एक सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम मुस्लिम्स को दिया था। बोला आज से हम नहीं करेंगे, आज से हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, लेकिन मैं ये चीजें जो है ये आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना। आई एम वेरी मच हैप्पी अगर आपने ये लिख दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखिएगा कि अब सवाल ये था कि क्या मुस्लिम लीग की ये बातें कांग्रेस अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगी। अब सवाल जरा देखिएगा कि क्या होगा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, देखिए सीधा। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेडेड बाय डॉक्टर अंसारी इन फेब 1928। गांधी जी ने चूज किया मोतीलाल नेहरू को कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। मोतीलाल नेहरू के साथ उनको अकेले को ये काम नहीं मिला। अब यहां से भी यूपीएससी प्री का क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट बेस कि उनके साथ कौन कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाया। मोतीलाल नेहरू को इसका चेयरमैन बनाया गया, तेज बहादुर सपूर को भी इसमें डाल दिया गया, सर अली इमाम को इसके अंडर रखा गया, MS ME को इसके अंडर रखा गया, मंगल सिंह को यहां पे दिया गया, GR प्रधान, सुभाष चंद्र बोस और शाह कुरैशी। अब देखिए यूपीएससी क्या करेगा कि इसमें से कहेगा कि इसमें से कौन सा बंदा, यानी कि चार नाम दे देगा, तीन नाम देगा जो इसमें है और एक नाम उल्टा दे देगा, जैसे इसमें डाल देगा PET जवाहरलाल नेहरू, इसमें से कौन सा बंदा जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं था। या फिर ऐसे बन सकता है कि गांधी ने जब मोतीलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दिया, इसमें से कौन सा बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। तो नाम उस समय हम भूल जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये सारी चीजें तो बड़ी सिंपल है, असल में तो सवाल यहीं से बनते हैं। अब ये याद रखिएगा कि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने वाला है और नेहरू रिपोर्ट आ गई। अब नेहरू जी ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब सवाल यह था कि अली मोहम्मद जिन्ना वॉज वेटिंग, अली मोहम्मद जिन्ना एंड ब्रेकन हेड, दो बंदे ऐसे थे जो वेट कर रहे थे कि क्या हिंदुस्तान, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने कहा था ना कि अभी ये मैच्योर नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करना है। और दूसरी साइड से ब्रेकन हेड वेट कर रहे थे कि भाई जरा देखेंगे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्योंकि ब्रेकन हेड को पता था इनके बीच में लड़ाई होगी। अब देखिएगा कि नेहरू की जो रिपोर्ट आती है, नेहरू उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, कहते हैं कि सेंटर के अंदर ब्रिटिश रूल करेगा और प्रोविंसेस के अंदर इंडिया रहेगा। दो चीजें, फायदा, सवाल कोई समझ में नहीं आया। भाई ये PET जवाहरलाल नेहरू नहीं है बेटा, नॉट PET जवाहरलाल नेहरू, इट इज मोती लाल नेहरू, नॉट PET जवाहरलाल नेहरू, मत ये गलत कर दीजिएगा प्लीज। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने जो मेंशन की थी, सेफ गार्ड एंड गारंटी फॉर द माइनॉरिटी न्यू प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब यहां पे खतरा है, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। अब अली मोहम्मद जिन्ना कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें यह कहा था रिलीजन बेस्ड और तुमने वर्ड यूज किया है लैंग्वेज बेस्ड, अब लड़ाई होने वाली है। तीसरी चीज सेल्फ डिटर्मिनेशन, चौथी चीज अगर रिजेक्ट द सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम, हमें सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम किसी के लिए नहीं चाहिए। पांचवी, सिंध विल गेट अ फुल प्रोविजन स्टेटस। और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, और हम लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी आपको, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ साथ आपको फेडरल गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी। अब सवाल यह बनता था कि क्या मोतीलाल नेहरू का यह कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल होगा, दो लोगों के ऊपर यह बात आएगी, एक PET जवाहरलाल नेहरू और दूसरा बात आएगी आपकी
अली मोहम्मद जिन्ना। जब अली मोहम्मद जिन्ना ये रिपोर्ट देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मुझे माफ करो, हम लोग आपके साथ नहीं हैं। अब खुश होंगे ब्रिकन हेड। ब्रिकन हेड इनको पहले ही बोलेंगे कि भाई मैंने तुम लोगों को बताया था, एक्सेप्ट साइमन कमीशन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। रीजन अगर आप देखेंगे तो इसकी रिजेक्शन के लिए, इसका ओपोजिशन में आने के लिए दो लोगों का तो नाम वैसे भी बड़ा, अली मोहम्मद जिन्ना कहेंगे कि ये वाला जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये बेकार है। हिंदू महासभा कहेंगे कि ये हमें जरूरत नहीं है, वो भी अपोज करेंगे। एनपीटी जवाहरलाल नेहरू तो कहेंगे कि ये सीधा ब्लेंडर है और पीटी जवाहरलाल नेहरू ने इसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके एक नई पार्टी बनाई, क्रिएटेड देयर ओन पार्टी कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग बाय सुभाष चंद्र बोस एनपीटी जवाहरलाल नेहरू। अब ये तीनों दोनों लोग अलग हो गए और इन्होंने कहा कि आप लोगों की बस की बात नहीं है, आप लोगों से ये सारी चीजें नहीं होंगी। ओके, बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? इज एवरीथिंग क्लियर ना? अब प्लीज डिस्टर्ब ना करें ऐसा कहकर बफरिंग, एवरीथिंग इज क्लीन एंड नीट एंड क्लीन यार। अब सवाल ये बनता है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब साइमन जी को बोला जाएगा कि साइमन जी वापस आ जाइए, भारत के लोगों ने अपना चेहरा दिखा दिया, इनसे कुछ नहीं होने वाला, जो हमने बताया था, इनके बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, इन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया है, अब आपको आना पड़ेगा, अब आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी और आपको भारत के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, एक नया एक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अभी तरीके से पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए। साउंड बफर कर रहा है, प्लीज बताइए। इज एवरीथिंग क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? प्लीज मेरी आवाज बेटा क्लियर आ रही है? ऑल क्लियर है यार। ओके थैंक यू। तो छोटी छोटी चीजें रिफ्रेश कर लें, अगर किसी को बीच में ही लग रहा है, डोंट वेस्ट टाइम ना। 1929 का समय, आई होप मैंने आपको यह बताया था, 1929 यहां पे आपका होता है कांग्रेस का लाहौर का सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 1929 के अंदर कांग्रेस के अंदर लाहौर सेशन होता है और इसके प्रेसिडेंट होते हैं पीटी जवाहरलाल नेहरू। अब पीटी जवाहरलाल नेहरू जरा देखिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाज नन अदर देन दैट वाज 1929 कांग्रेस। और कहां पे हुआ था सर? इट वाज इन द लाहौर, लाहौर के अंदर। डिमांड क्या थी? डिमांड थी कंप्लीट पूर्ण स्वराज, रेजोल्यूशन वाज पासड। अब यहां पे प्री का क्वेश्चन आया है, क्या आया है वो भी जरा बता दूंगा। यहां पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, ये जरा याद रखिए। रेजोल्यूशन का मतलब होता है पास किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। रेजोल्यूशन ये दिया गया कि हम लोगों को यहां पे पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस की जरूरत नहीं है, भारत को फ्री कर दो, यानी कि ब्रिटिश राज से आजादी चाहिए। और इसी बीच के बीच में 1929 के लाहौर के सेशन के अंदर डिमांड रखी जाती है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगी ऑन 12 मार्च 1930। पहली डिमांड, रेजोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुई, रेजोल्यूशन पास किया गया। दूसरा बायकॉट फॉरेन गुड, दैट वाज द सेकंड रेजोल्यूशन पास इन 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू। थर्ड, that India is going to celebrate 26 Jan 1930 as its first Independence Day, जिसको आज हम कौन सा डे मनाते हैं? आज कौन सा डे मनाते हैं हम? आज उसके लिए कौन सा डे मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनता है ना, बट कि जबकि हमने 26 Jan 1930 को सबसे पहले आजादी का दिन मनाया था और पहली बार फ्लैग भी हमने कहां पे लहराया था और नदी का नाम क्या था? रावी नदी के, ठीक है, पहली बार 26 जैन 1930,
ठीक है। प्लीज तो हमारे पास आईपीएस के यूपीएससी है टॉपर 2019 के भी जुड़े शुभम साहब, वेरी गुड, थैंक यू, अल्लाह करे ये सच हो। उसके बाद ऑन 20th मार्च 2019 ऑन 20th मार्च 1920 इंडिया के अंदर एक ओट ट्राइबल रिवोल्ट हो जाता है और इसको हम कहते हैं मेरठ ट्राइबल। यानी कि मैंने कहा था ना कि जब मैं वाइसराय के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने उस समय बताया था कि पूरा जो सारा टाइम पीरियड रहा वाइसराय ऑफ इंडिया का लॉर्ड इरविन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ वायलेंट रहा। वायलेंट कभी आप देखोगे कि भारत के लोग उसमें वायलेंट हैं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप गरीब आवाम लोग को, यहां पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको भी सताया जा रहा है। यह है 20 मार्च 1929 की बात, उन लोगों को भी सताया जा रहा था। इसी बीच में 6 अप्रैल 1929 भगत सिंह और डीके दल अपनी एक पार्टी के अंदर, जिसको हम HSR पार्टी कहते हैं, उन्होंने एक हार्मलेस बम जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डाल दिया। और जतिन दास दास जो थे, जतिन दास डाइड ऑफ ए हंगर स्ट्राइक, और वो भूख से मर गए। ये सारी चीजें सर, पीटी जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू से अलग क्वेश्चन हो गया, से अलग क्वेश्चन हो गए। सर आप कितने अच्छे से पढ़ाते हो कि आपकी क्लास में, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही शाउट आउट सुपिन प्लीज डिसेटिफिकेशन। क्या लिखते रहते हो तुम यार, यार ये प्लीज यार अपनी मैसेज टाइप ना करें, ठीक है? अगर आपको इतना ही खास पढ़ने की शक्ति अल्लाह ने दी है तो आपको ये काम करना चाहिए ना कि जो हम पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में रखें और बता देंगे सर हाँ क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। ठीक है, अगर वाकई में आप लोगों को पढ़ने की इतनी चाहत है तो ये ऊटपटांग चीजें क्यों लिखते रहते हैं आप लोग? चलिए अब यहां पे देखिएगा कि भारत के अंदर, मैं तभी कह रहा हूं कि वायलेशन जो वायलेंट हो चुके थे, ये सारी चीजें हो चुकी थी, इट शोज दैट कि भारत के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब ये टाइम इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इसी बीच में अलग अलग चीजें हो रही थी। अगर आपको याद होगा कि 1913 के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी रेड डाली गई, आई होप इस रेड के बारे में आप जानते होंगे। ये रेड कहां डाली गई? ऑन अप्रैल 18 1913 देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू रेड दे। आपको याद है कि उस समय क्योंकि इंडिया के लोगों के पास कोई वेपन्स वगैरह नहीं होते थे, तो एक रेड डाली गई आर्मियर्स ऑफ द पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस फ्रॉम द चिटगांव, इनके अंदर ये बंगाल का एरिया है जहां पर यह सब कुछ किया गया। और इसके पीछे आइडिया ये था, अब ये आइडिया ये था कि द आइडिया वॉज टू कैप्चर द टू मेन आर्मीज इन चिटगांव एंड देन डिमोरिज द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन ऑफिस। यानी जो भी हम हथियार लेंगे उन हथियारों से हम क्या करेंगे कि अंग्रेजों के बनाई गई जो ये रेलवेज और जो ये कम्युनिकेशंस है इसको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ताकि क्योंकि इन लोगों ने उस समय सब कुछ कनेक्ट करके रखा था, हालात बहुत ज्यादा खराब थे, तो ये सारा कुछ कर लेंगे। तो इसके पीछे का मेन एम ये था। दूसरी चीज, इट वॉज टू बी फॉलोड बाय द एसेसिनेशन ऑफ द यूरोपियन सम ऑफ 65 पीपल। इनके द्वारा काफी सारे लोगों को मारा भी गया, हालात बहुत ज्यादा खराब भी हुए। और याद करिएगा इनके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी भी चलती है इन द नेम ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। आफ्टर एवरीथिंग वॉज डन ऑल द रेवोल्यूशनरी गैदर्ड आउटसाइड द पुलिस, और उन्होंने वहां पे क्या किया, एक आर्मियर वियर लीडर सूर्य सेना टू के मिलिट्री सल्यूट, उनको सल्यूट मारा गया कि तुमने इतना बड़ा काम किया, होस्टेड द नेशनल फ्लैग और अपने हाथ में एक झंडा ले रहा है एंड प्रोक्लेम एज अ प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट।
और अपने आप को कह दिया कि हम वैसे भी अंग्रेजों से आजाद हैं। आप देखिएगा कि एक साइड से भारत, गांधी जी, पीटी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एक साइड से अलग तरीके से लड़ रहे हैं, एक साइड से रेवोल्यूशनरी पार्टी भी हो रही है। द लीडर सूर्यसेना वॉज अरेस्टेड इन 1933, उनको पकड़ लिया, और ही वॉज हैंगेड इन 1934 एंड वॉज प्रोबेबली द लास्ट ऑफ द मिल्टेंट, इसको मिल्टेंट लिखा गया है यहां पे, नेशनलिस्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद उनको भी फांसी दे दी गई। यानी कि जो जो भी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज में था, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, इन सब के सबको फांसी दी जा रही थी। ये लॉर्ड इरविन का समय भारत के लिए कुछ खास नहीं था। काफी सारे ऐसे नौजवानों को फांसी दी जा रही थी जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। लेकिन अभी समय गया नहीं था, और भी चीजें इस बीच में हुई। आपको याद है कि गांधी जी ने 1913 में जो वादा किया था। अब यहां पे जो फ्री का क्वेश्चन है जो मैंने बताया था वो ये है, फ्री का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, आप लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने ये कहा था कि 1929 को लाहौर का सेशन हुआ और वहां पे कुछ रेजोल्यूशन पास हुआ। क्या पास हुआ था, क्या रेजोल्यूशन प्राप्त हुआ था बताइए भाई, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था? रेजोल्यूशन क्या पास हुआ था? पूजा मिश्रा कह रही है कि सर 2019 में पेपर 27 नंबर पे ये क्वेश्चन आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बॉयकॉट फॉर, नहीं नहीं नहीं, अरे यार अभी दो मिनट पहले पढ़ाया, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन को, रेजोल्यूशन पास हुआ ना, तो रेजोल्यूशन में कहा गया कि हम सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। साल्ट नहीं, साल्ट बाद की बात है। रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम सीडीएम मूवमेंट पास करेंगे, फिर साल्ट अलग तरह। प्लीज थोड़ा सा दिमाग यहां पे रखो यार, ये प्री के क्वेश्चन है, ये इस तरीके से नहीं बनेंगे। दिमाग यहां पे रखो, ये टाइपिंग के अंदर दिमाग रखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अभी दो मिनट मैंने पहले पढ़ाया कि 1929 के लाहौर के सेशन के अंदर, 1929 लाहौर के सेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें सीडीएम की बात की गई। लेकिन यूपीएससी आपसे सवाल कहेगा कि हु स्टार्टेड दिस सीडीएम मूवमेंट। अब आप कहेंगे कांग्रेस ना, आप कहेंगे गांधी जी। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमिटी। आप देखिए, रेजोल्यूशन पासड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड आईएनसी। समझिएगा दो चीजें यहां पे, ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है। 1929 का जो सेशन था दैट वाज अ कांग्रेस सेशन, कांग्रेस पार्टी सेशन। बट हु स्टार्टेड द सीडीएम मूवमेंट, स्टार्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमिटी। ये कहां पे हुई स्टार्ट? मेट एट साबरमती आश्रम। तो कल आपको यूपीएससी पूछेगा कि इसको स्टार्ट किसने किया, इसका रेजोल्यूशन किसने पास किया। तो रेजोल्यूशन पास हुआ 1929 के अंदर, वो पास करने के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ था। लेकिन अगर सीडीएम मूवमेंट को स्टार्ट किया तो वो कांग्रेस कमिटी ने किया, कांग्रेस वर्किंग कमिटी। इसीलिए इसको लिखा जाता है सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमिटी। क्लियर? ये आपको छोटी सी चीज लग रही होगी लेकिन बहुत बड़ी है। बहुत सारे बच्चों को ये कहा जाता है जब वो पढ़ रहे होते, मैं उनसे कभी पूछ भी देता हूं कि मुझे जरा बताओ बेटा कि कांग्रेस रेजोल्यूशन पास करता है 1929 के अंदर कि हम सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको पास करने, रेजोल्यूशन था ना, स्टार्ट किसने किया? तो वो फिर से कहते हैं कि कांग्रेस ने स्टार्ट किया या गांधी जी ने स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी को 1930 के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहती है कि गांधी वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है अब आप उसके ऊपर काम करिए। तो यहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थ्रू गांधी जी साबरमती आश्रम में डिक्लेयर करते हैं कि 12 मार्च 1930 को अब मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। याद रहेगा बेटा, स्पेक्ट्रम के पेज नंबर 381 में है। फर्क है इसमें कि नहीं? छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क उन लोगों को लगेगा जो सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ क्लास देते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास ऑफ एमसीक्यूज ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन, तब उनको पता चलता है कि छोटी छोटी चीजें कितना मैटर करती हैं।
फिर जब प्रश्न बनता है कि छोटी छोटी चीजें कितना इंपॉर्टेंट, याद करिए आज सुबह मॉर्निंग में क्लास दी हम लोगों ने, उस समय मैंने बच्चों को बताया था कि भाई छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं बेटा, आप एक चीज भी स्किप नहीं कर सकते हो। आई होप आप लोग अब कभी भी नहीं भूलेंगे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थ्रू ये यूज हुआ है, नॉट विद द कांग्रेस रेजोल्यूशन, वहां पे सिर्फ रेजोल्यूशन पास हुआ। आइए जरा देखते हैं क्या हुआ आगे। बिफोर लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखी और लॉर्ड इरविन को वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? नहीं हो रही है, सब कुछ क्लियर है, आई सब कुछ क्लियर है। जब गांधी जी ने ये कमेटी के अंदर ये कहा कि ठीक है मैं सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं लास्ट बार लॉर्ड इरविन को एक खत लिखना चाहता हूं, लेटर। बेटा मेरी वीडियो भी क्लियर है, मेरा सब कुछ क्लियर है, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मैं भी अपने सामने एक वीडियो देख रहा हूं, कुछ भी लैग नहीं कर रहा है। प्लीज आप एक बार कर लें तो सब कुछ क्लियर चलेगा, ठीक है? आप प्लीज एक बार वीडियो को बंद करें और वीडियो के वापस आ जाए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में हैं, समझिएगा। गांधी ये कहते हैं कि मैं एक बार लास्ट चांस देना चाहता हूं इरविन को, अगर वो मेरी बातों को मान जाएगा तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं करूंगा। ये डिमांड 11 डिमांड थी, जिनको हम दो तरीके से मानते हैं, एक थी जनरल डिमांड, एक थी स्पेसिफिक डिमांड। यदि अगर आपको ये चेक करना भी होगा तो क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर आपको ये वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम जरा देखते हैं कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से क्या क्या डिमांड की। सबसे पहले बोला कि मैं, तुम अगर चाहते हो कि मैं ये मूवमेंट स्टार्ट ना करूं तो पहली चीज ये करो कि साल्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो खत्म कर दो, दूसरा पैसे की वैल्यू को बढ़ा दो, रुपी की वैल्यू, और जो तुमने लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा रखा है इसको रिड्यूस कर दो, रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ हायर सीनियर, बड़े बड़े ऑफिसरों के ऊपर तुमने इतनी तनख्वाह रख दी है जो हमारी गरीब आवाम से आप लूट के ले जाते हो वो खत्म कर दो, दूसरी चीज रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एंड सिविल सर्विस, मिलिट्री और सिविल सर्विस के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो वो हमारी जेब के अंदर से जाता है उसको भी खत्म कर दो, प्रोटेक्ट इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया की टेक्सटाइल को प्रोटेक्ट करो, डिस्चार्ज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी तुम लोगों ने यहां पे लोगों को पकड़ा है उनको छोड़ दो, प्रोहिबिटेशन ऑफ अल्कोहल, ये शराब खाने बंद कर दो, रिफॉर्म इन द सीआईडी, सीआईडी में जो तुमने चोरी छुपे लोगों को रखा हुआ है जो तुम्हें इंफॉर्मेशन पहुंचाते उनको खत्म कर दो, चेंज इन द आर्म एक्ट, याद करिएगा आर्म एक्ट लगा दिया गया था हमारे ऊपर कि लाइसेंस रखो फिर आपको आर्म एक्ट मिलेंगी, मैंने ये पढ़ाया भी है, पोस्टल रिजर्वेशन बिल, यानी गांधी जी की ये 11 डिमांड कल आपसे यूपीएससी पूछेगा और आपसे पूछने की कोशिश करेगा कि इसमें से गांधी जी की कौन सी 11 डिमांड में नहीं थी, या ऐसा भी हो सकता है कि पूछेगा कि इसमें से कौन सी गांधी जी ने डिमांड की थी। क्लियर है बेटा? आई होप आप लोग जब ये देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अनफॉर्चुनेटली ये 11 डिमांड जो गांधी जी की है, लॉर्ड इरविन जी जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा था उसने ये सारी जो डिमांड गांधी जी की थी उनको रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया, बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या करना चाहते हो करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ तुम्हें क्या करना है। और ये बंदा फिर वेट करता है लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं होती एंड देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इन 1913-31 विच इज नोन एज द फर्स्ट फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला फेज, गांधी जी रीच ए डांडी, साबरमती आश्रम टू डांडी गांधी पहुंचते हैं और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जब मैं गांधी जी को देख रहा था, जब गांधी जी चल रहे थे तो मैंने ये देखा कि गांधी जी का जो ये मार्च है ना, ये सीधा नेपोलियन मार्च टू पेरिस, इसका दूसरा, याद रखिएगा कांग्रेस, अब ये कभी पूछेगा आपसे सुभाष चंद्र बोस ने साल्ट मार्च को किस नाम से पुकारा है, सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन मार्च टू पेरिस
क्योंकि नेपोलियन जो उस समय फ्रांस के थे उन्होंने भी पेरिस तक एक मार्च की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस साल्ट मार्च को उनके साथ कंपैरिजन करके बताया है कि नेपोलियन जैसे पेरिस तक पहुंचा वैसे ही गांधी जी की ये थी। कल ये दो मार्क्स का बनेगा बेटा कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या बताया। गांधी जी ने कहा कि इस मूवमेंट के अंदर मैं क्या क्या करने जा रहा हूं, तो फर्स्ट प्रोग्राम के ऊपर ही गांधी जी ने कहा कि मेरा पहला लक्ष्य है नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे और इसमें कोई भी वायलेंस नहीं होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गांधी जी जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट करते थे तो उसमें वो हमेशा यही कहते थे कि सत्य की जीत होगी और हम अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो भाई है सबसे पहले डिसओबीडियंस ऑफ साल्ट, साल्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देगा, ये गांधी जी की डिमांड है। रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। यहां पे बहुत सारे प्री के क्वेश्चन निकलेंगे, सो प्लीज देख लीजिएगा बेटा। उसके बाद गांधी जी यहां पे एक और चीज कहेंगे, बायकॉट लॉ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज को बैन कर दिया जाए। हमें क्या फायदा उस पढ़ने का कि जो हम लोगों को अपना हक ही ना दे पाए। एंड बायकॉट द अल्कोहलिज्म, ये जो अल्कोहल जो शराब वगैरह पीते हैं इसको बैन कर दिया जाए, बड़ी अच्छी चीज है। अब कल ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी में इनमें से वो कौन सी चीज है जो ऑलरेडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पूछ चुके हैं, तो ये वाली चीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं थी और ये वाली चीज भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं थी। बाकी की ये चीज और ये चीज गांधी जी ने ऑलरेडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पूछी थी, यानी डिमांड की थी। अक्सर यूपीएससी क्या करता है कि बोलता है कि बताइए जी उन जगहों के नाम बताइए जहां पे सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चल रही थी और वहां पे कौन से लोग सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चला रहे थे। अब फंसेंगे आप लोग। तमिलनाडु के अंदर सी राजगोपाल आचार्य जी ने स्टार्ट किया, दो मार्क्स आपके हाथ में है। फिर कहेगा कि मालबर कास्टल एरियाज पे किसने ये स्टार्ट किया, यानी कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट गांधी ने नहीं, सब लोगों ने मिलकर किया, तो के कालापन यहां पे उन्होंने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। पिशावर के अंदर खान अब्दुल गफ्फार ने ये मूवमेंट स्टार्ट की, वहां पे उन्होंने खुदाए खिदमतगार शुरू कर दिया था। खुदाए खिदमतगार, ये सवाल यूपीएससी कर चुका है, इनको रेड शर्ट भी कहते हैं, ये रेड शर्ट पहनते थे, इन्होंने अपनी एक आर्मी ही बना दी थी। गुजरात के अंदर एक नई मूवमेंट शुरू होगी जिसको कहा गया नो टैक्स मूवमेंट। सो अलग अलग लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। एक और मूवमेंट स्टार्ट हो गई जिसको कहते हैं एंटी चौकीदार मूवमेंट, यह बिहार के अंदर स्टार्ट की गई और राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारिक ने यह मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब देखिए कितनी बारीक चीजें हैं, ये सारे के सारे आपके प्री के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद सर एक और मूवमेंट इसी बीच में स्टार्ट हो गई जिस मूवमेंट को कहा जाता है एंटी मूवमेंट बोर्ड एजुकेशन, बंगाल के अंदर स्टार्ट हो गई। सर फॉरेस्ट सत्याग्रह मूवमेंट भी इसी टाइम पे स्टार्ट हो गई जिसमें महाराष्ट्र कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंसेस एरियाज ने ये स्टार्ट कर दी। सो पूरे इंडिया के अंदर मूवमेंट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे होने लगी। भाई उम्मीद करता हूं कि आप लोग थके नहीं होंगे क्योंकि दो घंटे तो हो गए, लेकिन क्लास शायद में भी एक घंटा और चलेगी, तो जो बच्चे जाना चाहते हैं देखें ली, क्योंकि कुछ समय लगेगा क्योंकि आज लास्ट क्लास है, तो वी नीड टू फिनिश इट। उसके बाद एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको आप कहते हैं एंटी कोनिगम सर्कुलर एजुटेशन, आसाम के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है कहां पे, नो रेंट कैंपेन। ओहो, नो रेंट कैंपेन, अब देखिए नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन, यूपी आगरा बरेली अलग अलग जगहों पे आपको पूछा जाएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर नो नई मूवमेंट्स हो गई। अरे गांधी जी ने तो कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करनी है, भाई लोग देखिए इन्होंने अलग अलग मूवमेंट करना शुरू कर दिया, सब तंग आ चुके थे, कोई टैक्स के ऊपर लड़ रहा था, कोई रेंट के ऊपर, कोई चौकीदार के ऊपर, तो हालात जो है वो इंडिया के लॉर्ड इरविन के समय में हालात बहुत खराब हो रहे थे और इसी बीच में अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट एक्शन में आ गई। गवर्नमेंट को लगा कि भाई हम लोगों को अब कुछ हालात, अब उनको लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
अब लॉर्ड इरविन के कान के पर्दे खुलेंगे। उसको लगा कि मुझे गांधी की 11 डिमांड को मान लेना चाहिए था, क्योंकि उसको भी यह उम्मीद नहीं थी कि गांधी जी के साथ इतने लोग हैं। बाद में पता चला उसको कि यार ये तो बड़ा ब्लेंडर हो गया मुझसे, अब ये क्या करेंगे। द गवर्नमेंट, अब यहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या करने की कोशिश करेगी, इनटू एक्शन बाय पुटिंग द लॉ ब्रेकर्स इन जेल। अब जेल में डालना शुरू कर दिया, सप्रेसिंग देम बाय द पुलिस फायरिंग। अब इनके ऊपर फायरिंग होना शुरू हो गई। भाई जब तुम्हें गांधी ने 11 चीजें लिख के भेजी थी तो मान लेते, अब तुम फायरिंग करोगे, अब तुम लड़ाइयां करोगे। तो गांधी जी ने तो पहले ही कहा था कि भाई हमने तो तय कर लिया है, हम तो अब सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट कर लेंगे। एंड लाठी चार्ज होना शुरू हो गया। अनदर मीन 60,000 पीपल वेयर अरेस्टेड इन लेस देन वन ईयर, एक साल। अब इससे पता चलता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल थी या नहीं थी। 60,000 के करीब लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्स डिफॉल्टर्स वेयर कंफिस्किटेड, यानी उनको कहा कि आप टैक्स देना ही देना पड़ेगा, गांधी का यहां नहीं चलेगा, आपने जो किया सो किया। गांधी एंड ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स वेयर अरेस्टेड एंड प्लेसेड बिहाइंड द बार। गांधी जी को यहीं से पकड़ के जेल में डाल दिया। यानी आप देखें, जब आपसे गांधी जी ने रिक्वेस्ट करके लिखा था कि भाई मेरी 11 डिमांड मान लो, हालात बहुत खराब है, मुझे भी प्रेशर है, आप लोग अगर मेरी बात मानोगे तो मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं करूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। अब आपने उस समय माना नहीं, आपने कहा कि हमें गांधी की कोई चीज माननी नहीं है, आपने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। और अब आपको जब तकलीफ होने लगी तो आप लाठीचार्ज करने लगे। अब सवाल यह बनता है कि क्या भारतीय लोग अब ये सारे जंग छोड़ के जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे। अब यहां पे देखिएगा, टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब ये लोग कहेंगे कि गांधी गांधी गलती हो गई, हमें माफ करो, हम तुमसे दोस्ती करेंगे। लेकिन ये पहले तो नहीं कहते। इसी बीच में आपको याद होगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930, कौन बनेगा करोड़पति में ये सवाल आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार मैं एक्चुअली कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था तो वहां पे पता नहीं कितने 50 लाख का था कि इतने का सवाल था ये, आई डोंट नो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें एक्चुअली ये पूछा गया था कि तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन तीनों में कौन सा लीडर जो है वो जिसने कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट किया, तो वो थे आपके अली मोहम्मद जिन्ना, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और बी आर अम्बेडकर ने हर राउंड टेबल, तीन हुई तो तीनों में पार्टिसिपेट किया, ये सवाल आया था। अब अब देखेंगे तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन द लंडन एंड इट वॉज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडनर, उन्होंने किया था, और इट डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट, इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, बिकॉज द कांग्रेस वॉज एब्सेंट, कांग्रेस बिल्कुल भी वहां नहीं थी, एंड मोस्ट ऑफ द लीडर वेयर ईदर अपनी डिमांड लेके आए थे हमें ये करना, इधर इन द जेल सर डिसाइडेड टू बायकॉट इट। तो गांधी जी को आप जेल के अंदर रखोगे और कोई मूवमेंट, अब ये सोचोगे कि आपका कोई फायदा होने वाला है तो नहीं होने वाला है। जब तक गांधी नहीं होगा कोई फैसला नहीं होगा। अब लॉर्ड इरविन को क्या करना पड़ेगा, गांधी तो जेल के अंदर है, अब उसको गांधी को रिलीज करना पड़ेगा। और गांधी को जेल से निकालने के बाद वो उसके पास जाएगा, उसको कहेगा कि गांधी प्लीज मेरी बात मान ले और तुम पार्टिसिपेट कर लो। मेरी बात सुन रहे हो आप? अब यह सवाल है कि गांधी जी को इरविन पैक्ट कहा जाता है 1931। अब गांधी जी को रिलीज किया जाता है और ये गांधी जी से, अब यहां पे प्री में ऑलरेडी यूपीएससी सवाल कर चुका है और शायद इन मे बी इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए, वो कौन से लोग थे जिन्होंने गांधी जी को ये कहा था कि गांधी प्लीज एटलीस्ट एक बार तुम इरविन से बात कर लो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? सम प्रो ब्रिटिशर मेंबर ऑफ इंडियन लिबरेशन लिबरल पार्टी, ये थी इंडियन लिबरल पार्टी। इसमें कौन कौन थे? सच एज तेज बहादुर सपूत, सी वाई चिंतमानी एंड श्रीनिवास शास्त्री, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही ये गांधी के पास गए और गांधी को रिक्वेस्ट की कि प्लीज डू टॉक विद दिस वायसराय, इरविन के साथ तुम एक बार बात कर लो। अब ये गांधी का ये कंसेप्ट जो है ना, ये प्री के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछेगा कि क्या उनकी पार्टी का नाम था और कौन से लोग थे जिन्होंने गांधी को तैयार किया था कि आप उनके साथ
कि बात करने की बात की गई थी कि आप एटलीस्ट उनके साथ बात कर ले। अब बात क्या हुई, दे टॉक बिटवीन द गांधी एंड इरविन वेयर अरेंजेड एंड द मनी कांग्रेस लीडर वेयर रिलीज। गांधी की वजह से बहुत सारे लीडर्स को रिलीज कर दिया गया एंड टू मेक ए फेवरेबल एनवायरमेंट। अब गांधी की ये बात मान ली गई। ऑन 5th of March 1931 गांधी इरविन पैक केम आउट दिस टॉक। ये ऑलरेडी मेंस का सवाल बन चुका है तो प्लीज भाई इसको मेंस के हिसाब से पढ़िएगा। इसमें प्रपोजल क्या क्या रखता है, तो गांधी पहली चीज कहते हैं वुड बी डिसकंटिन्यू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी को यह कहा जाता है कि अगर आपकी बातें मान ली जाए तो क्या तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को छोड़ दोगे। तो गांधी कहते हैं ठीक है, मैं मूवमेंट बंद तो नहीं करूंगा लेकिन सस्पेंड करके रखूंगा और जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरी डिमांड पूरी हो गई तो तब मैं विदड्रॉ करूंगा, पहली चीज। दूसरी, कांग्रेस एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाली है। तीसरी चीज, द ऑर्डिनेंस प्रोग्लेट इन वेक ऑफ सीडीएम वुड बी ए विड्रॉ। तब तक के लिए हम, अगर सारा कुछ सही हुआ तो हम कांग्रेस डिसाइड करेगी सीडीएम को विड्रॉ करने की। जिन जिन लोगों को आपने डिटेन किया है उनको आपने रिलीज करना है, सारे पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल उस समय लीडर्स जो जेल में डाले उनको छोड़ना पड़ेगा। पीपल लिविंग इन एरिया नियर सी कोस्ट उनको हम एलो करते हैं कि उनके ऊपर साल टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट अलाउ द पीपल पीसफुली पिकटिंग ऑफ द लिक्वर शॉप से वगैरह हम लोग एलो कर देंगे। तो गांधी जी की और इसकी आपस में बात की वजह से फायदा यह हुआ कि गांधी लंदन जाएंगे। कहां जाएंगे भाई, लंदन जाएंगे। अब चले आपके गांधी लंदन। लंदन जाने के बाद, ओहो गांधी लंदन नहीं गए क्या, यहां की बात क्या लिखा नहीं। अब यहां पर देखिएगा कि गांधी विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यस सर नो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी पार्टिसिपेट करेंगे ना भाई। अब मैंने आगे नहीं लिखा है तो यहां से अब मैं खुद ही आपको लिखा दूंगा। तो गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहां पे अब सवाल ये बनता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हुई, अब गांधी जी के साथ कौन कौन गया था। अब याद करिएगा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर यहां पे सब लोग थे। अब एक साइड से सवाल यह बनता है कि गांधी जी के साथ एक तो गांधी भी थे और गांधी के साथ उस समय सरोजनी नायडू भी गई थी भाई, उनके साथ ही थी। आज सवाल उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद जो हम लोगों ने डिमांड रखी है, डिमांड क्या थी, डिमांड वॉज पूर्ण स्वराज, इसके ऊपर डिस्कस होगा और हम लोगों को जो है आजादी दी जाएगी, कोई डिमांड बात की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर क्योंकि बी आर अंबेडकर भी थे तो बी आर अंबेडकर और लोगों ने अपनी डिमांड रखना शुरू कर दी और यहां पे बात ये पता चली कि बी आर अंबेडकर वॉज डिमांडिंग, बी आर अंबेडकर वॉज डिमांडिंग टू हैव ए फुल फ्लेजेड, हम लोगों को अलग से पूरी तरीके से क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, हम लोगों को यहां से अलग तरीके से एक अवार्ड मिलना चाहिए जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम की बात की गई। अब याद करिएगा कि यहीं पर आपको याद होगा कि गांधी जी को जब यह पता चलता है कि यहां पे बी आर अंबेडकर को सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम दिया जा रहा है, यानी कि सेपरेट इलेक्ट्रो समझते ना भाई, अलग से इलेक्शन लड़ने की अनुमति दी जाती है, तो गांधी जी ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं और गांधी जी कहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का कोई फायदा नहीं है। और यहीं पर आपका 1900, अब याद करिएगा यहीं पर आपका हो जाएगा बीच में कराची, कौन सा सेशन बेटा, कराची सेशन, कौन सा सेशन बेटा, कराची का सेशन। डू यू नो अबाउट द कराची सेशन, एंड वी विल नॉट इंक्लूड द कराची सेशन इन दिस बिकॉज उस समय यहां के अंदर आपके पास अलग से कौन थे, कराची सेशन नहीं होगा क्योंकि कराची सेशन के समय इरविन यहां के लीडर नहीं थे ना ही वो वहां के वाइस रहे थे। सो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप होने के बाद यहां पे डिसाइड किया जाता है कि हम यहां पे कम्युनल अवार्ड देंगे। कम्युनल अवार्ड स्टार्ट होता है 1931, वो मैं अलग पढ़ाऊंगा क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। 1932 के अंदर यहां पे आपको एक कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड का मतलब ये था कि जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट बिलोंग करते हैं उनको एक सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम दिया जाएगा। और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेटा इरविन के समय में नहीं हुई है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इरविन के समय में नहीं हुई है। ये इरविन के बीच में क्या हुआ है वो हमने पढ़ा बेटा, ऑल क्लियर बेटा।
उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अगर आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज गो अहेड फास्ट। प्लीज 1932 आर नॉट इंक्लूडिंग बिकॉज इन द 1932 लॉर्ड इरविन वॉज नॉट द वाइसराय। ये इरविन के इर्द गिर्द क्या हुआ, क्योंकि हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे। प्रणव यादव कह रहे हैं कि सर ये बहुत बड़ी वीडियो है, रिवीजन करना पड़ेगा। प्राइवेट मत कीजिएगा बेटा, प्राइवेट हो जाएगी ये। सो प्लीज फॉर गॉड से आज ही देख के खत्म कर दीजिएगा। कराची सेशन अलग पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो इरविन के समय में नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि आज आपको क्लासर टुडे देयर वर डिफिकल्ट्स इन मेकिंग नोट्स। चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं उम्मीद है कि यहां पे कुछ होगा, बट आई होप कि आपका शायद ये अनलिस्ट मैं नहीं करता हूं, मेरे हाथ में नहीं है अनलिस्ट करना, बट होपफुली कि ना हो। अच्छा, किसी ने मुझे कहा है कि यहाँ पे सर नया वाइसराय कौन बनेगा, तो लॉर्ड विलिंगडन जो है यहाँ के नए वाइसराय बनेंगे, और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनेंगे वो सर सैमुअल बनेंगे, और यहाँ के जो इंडिया शुड गेट नथिंग फ्रॉम द चर्चिल जो है वो वहाँ के हेड बनेंगे। और फिर इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है, तो इम्पोर्टेंटली वो मैं एक बार करवा दूंगा। थैंक यू सो मच अंकित जे सर, हु वाज द एसएस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कजन, शायद मैंने पढ़ाया था एमयू रिएडमिशन सी क्लासेस। थैंक यू सो मच सर, टुमारो टॉपिक एंड सेशन। या बेटा, इस तरीके से आपसे अलविदा लेना पड़ेगा, और दुख की बात कुछ ये है, प्लीज इसको बुरा मत मानिएगा। या बस तो 5 मिनट आप रुकिएगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर प्लान बताना है कि क्या क्या है। अनफॉर्चुनेटली बेटा, समय हमारे पास जो होता है तो वो ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भेजा करता हूं। मैं जब भी आए क्या मुझे पढ़ाना है, तो मैं अपने ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ भेजा था, और वो पीडीएफ मैंने 10 दिन पहले आपको सेंड किया था, और इस पीडीएफ के अंदर मैंने लिखा था कि मैं क्या क्या क्लासेस देने जा रहा हूं। एक 1 वीक पहले ही बन गया था, कुछ बच्चों ने शायद देखा होगा कि कुछ बच्चों ने नहीं देखा। और इसमें मैंने इस बार जो सीरीज स्टार्ट की है, वो सीरीज स्टार्ट की है हमने फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी के बारे में हम एक हफ्ता पढ़ेंगे। दूसरी बात ये है कि मुझे, अगर आप लोगों में से मैंने तभी अब सर विल यू पिन दैट, आई हैव पिन दैट ऑलरेडी, प्लीज यू चेक दैट कि कल क्या होगा, टॉपिक क्या, मैं हमेशा आगे बता के रख। दूसरी चीज ये थी कि आई एम थिंकिंग टू टेक दिस मैराथन क्लास ऑन फ्राइडे। एंड सी बेटा, आप लोग ना जो भी हैं, थैंक यू सो मच, हाँ प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, इंपॉर्टेंट है कि मैराथन क्लास हो, लेकिन बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माय प्लस क्लासेस, आई हैव टू गिव सम टाइम देयर। और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के बाद शायद मैं यूट्यूब पे इतनी क्लासेस ना दे पाऊँ, एंड यू विल मिस मी, इवन दो आई विल मिस यू ऑल, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लूँ जितना समय मेरे पास बचता है। इवन शायद मैंने क्लासेस बहुत ज्यादा बना दी हैं, और हमारा कंप्लीट टाइम होता है कि कितना टाइम आप स्टूडेंट्स को दे सकते हो, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको पूरा समय दूं। और आपने देखा होगा कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूं, ऐसा नहीं है कि कहानियां पढ़ानी है, ये पढ़ाना है,
टॉपिक के रिलेटेड बात होती है और मुझे लगता है कि आज काफी सारे बच्चों ने यह टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा होगा। फर्स्ट टाइम आपने नहीं पढ़ा और आईएमसी आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी या फिर साइमन कमीशन भी पढ़ा होगा, सारी चीजें पढ़ी होगी। हमने एक्चुअली ब्रिकनहेड और लॉर्ड इरविन के अंडर क्या पढ़ना था वो इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि अलग अलग पार्ट में, एक होता है इरविन के इर्द गिर्द हमने पढ़ा, तो इस तरीके से पढ़ा जाता। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी और एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी पाए होंगे। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दूं। बट एज ऑफ नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन माय ऑल टाइम टू यूट्यूब और मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा। इवन मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पे ना आऊं तो शायद आप लोग पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, क्या ऊट पठान वीडियोज देखेंगे। सो ये भी एक रहता है, लेकिन हमारा भी एक ये रहता है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पूरी तरीके से आपका गाइड बनूं और पूरी तरीके से आपको सही तरीके से डायरेक्शन दूं, कल एक बहुत अच्छा टाइम है बेटा। द टुमारो इज द वेरी बेस्ट डे इन ग्रेट डील, यू विल गेट द ऑफर इन वेरी लेस, आई कैन से लेस मनी आपको स्पेंड करना पड़ेगा फॉर टेकिंग ए प्लस सब्सक्रिप्शन। कोई बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है। वन ईयर के लिए आप अगर मुझे मौका दें कि मैं आपको गाइड करूं प्रॉपरली, और अगर आप चाहते हैं कि एक साल आप मेरे साथ रहें, आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल, आई एम गोइंग टू टेक योर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि किस तरीके से क्वालिफाई करना है, हु इज गोइंग टू टीच यू, आपके इकोनॉमिक किसके पास आपको पढ़ना है, पॉलिटिक्स किसके पास पढ़ना है, आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर वेरी मच सीरियस कि सर हमें ये करना है, एंड आई विल बी द होल एंड सोली रिस्पॉन्सिबल कि हाँ मेरे बच्चे को ये चाहिए। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, सुहेल सर विल बी देयर, मैं रहूंगा। एवरी डे यू विल गेट आंसर राइटिंग, एवरी डे विल गेट योर नोट्स, क्लासेज ऑन टाइम, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इवन आफ्टर गेटिंग द क्लासेज आपका जो फीडबैक होगा, आई विल टेक दैट फीडबैक। सो इट्स ऑल अप टू यू दैट वेदर यू आर गोइंग टू ट्रस्ट अपॉन मी और नॉट, बट बींग एज अ नॉट अ टीचर आई कैन से बट एज अ लर्नर आई डू फील लाइक कि आप लोगों को क्या चाहिए राइट नाउ। See, I have taken lot of money classes regarding the modern Indian history, ancient history. Still, there are something which is missing if you are doing a self-study. So, it is best time that do join tomorrow and take a subscription, get it into a classes. I will be the responsible and I take all the responsibility till aapka jab tak UPSC qualify nahi hota hai. And Swail sir will be responsible for that. Sir, humara qualify kyun nahi hua? But you just need a right guidance. सर किस किस टीचर की क्लास लेनी है, कहाँ पे लेनी है, कैसे, आई एम गोइंग टू देयर। मेरे पास कुछ टीम है जो आपकी हेल्प करेगी। इफ यू नीड सम नोट्स एंड ऑल दैट, इस तरीके के नोट्स ये चाहिए सर, ये चाहिए किसी क्लास, सो दिस इज द बेस्ट टाइम आई थिंक। अगर हम ऑफलाइन में भी जाते हैं लाखों की फीस लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग ए टेस्ट सीरीज, अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग ए 20 बुक्स, देन यू आर गेटिंग ए फ्री टेस्ट सीरीज, then there is a like a one on one monitoring with all those who have already qualified this exam, and apart from that you are getting a free monitoring from the Swail sir. Jab bhi aap call karenge, aapko kuch bhi puchna hai, I will be there, I will be the responsible, I take your responsibility until unless when you are going for the subscription, because it's not possible for me to give you everything on YouTube, even though I'm trying my level best to give you a best, not story. So hopefully tomorrow you are going to join me, use my code Swail10, and that's important. If you are going to use my code Swail10, then I will be able to guide you properly throughout the year. So remember the code Swail10 and do join tomorrow, and inshallah I will guide you till your 2022 or 2023 or 2020, jitna bhi aapko jahan tak dena hai, till mains tak aapke saath rahunga. Thank you. I will be the responsible. That's why I said, like, do you believe on this Swail Turki? If you believe, I will be the responsible, and I am guiding you that which topic and which teacher is best for you, and who is going to teach you, and who is, if there is something problem, that sir, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस teacher का, I will be there and will talk to them कि sir नहीं इस बच्ची को ये class चाहिए, and wholly and solely I am going to be their head, like मैं head रहूँगा और मेरे इर्द गिर्द आप रहेंगे, और एक साल के अंदर I challenge you. आपका यूपीएससी मैं क्वालिफाई करवा के दिखाऊंगा। इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू आर गोइंग, यूज माय कोड Swail10, एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन, टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज द न्यू कोर्सेज आर गोइंग टू बी स्टार्ट, सो आई डोंट वांट कि आप एक भी क्लास मिस करें। सो कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके, और मुझे उम्मीद है कि आप ज्वाइन करेंगे और मुझे एक बार मौका देंगे कि मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूं।
टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।